बताना बच्चा हम समझ जाएंगे तुम इंतजार किए हो इतना हम समझ जाएंगे हम माफी चाहते हैं इसके लिए बच्चा पार्टी तुम समझ जाओगे कल रात को तीन बजे घर तो पहुंचे थे तुम समझ जाओगे

<laughs> लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत बुरा गा लेता हूँ सो so, सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे यार आ, कल रात को यहाँ से जाते जाते ही तीन बज गया और सुबह काफ़ी लेट उठे हेडेक हो रहा था तो थोड़ा विलम्ब हो गया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे एंड आज संडे का दिवस है और वो भी आप लोगों को दिया ठीक है तो आ जाए सामने ये अच्छा गाते हैं थोड़ा एक और शब्द गुनगुना देते हैं हालांकि ये रील्स पर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था तो बस ऐसे ही जानते ही बच्चा लोग तो गा दिए तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे मेरी बच्चा पार्टी हो तो तुम समझ जाओगे अच्छा नहीं खाता हूं जय शंभू सो हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब केम चो वेलकम टू एस एस पी द फाइनस वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट चैनल एंड द प्लेस With the subject. CBSE term two, चरम सीमा पर एकदम है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर है बच्चा पार्टी और ऐसे एकदम पीक पॉइंट पर जो चरम सीमा पर ये आपकी एग्जाम चल रही है उस वक्त आपके बाबा एसएसपी आपके साथ खड़े हैं हमने जैसा कमिटमेंट आप लोगों से किया था कि चाहे रात के दस बजे चाहे ग्यारह बजे पूरे दिन ऑफिस का काम करने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने जरूर आऊंगा और अपना वादा मैं पूरा भी कर रहा हूं आज देखिए तीसरा दिन है और आज आपके टोटल छह चैप्टर समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम लोग कल सेमीकंडक्टर को जान से मारने के बाद परसों पीवाईक्यूज भी करेंगे और एक सेशन के अंदर मैं आपको सारे के सारे डेरिवेशन भी कराने वाला हूं हूँ लोग आज हमारा साथ देने के लिए शुक्ला जी नहीं है थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन करेंगे इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर चैट सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे बच्चा लोग लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच नमस्कार आदाब सत श्रीकाल एंड वेलकम टू एस तहे दिल से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज का चैप्टर बहुत ही खास है फुल एनर्जी के साथ हो सकता है छह बज जाएगा बिकॉज तीन बजे ही क्लास स्टार्ट हुई दो घंटे ऑलरेडी विलंब है तो तैयार मेरी बच्चा पार्टी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चा लोग आ चुका है इस वक्त बारह बच्चे देख रहे हैं क्या बात है निशाचर प्राणी हुए तुम लोग जब मैं रात को आता हूं तो संख्या ज्यादा होती है दिन में आता हूं तो संख्या थोड़ी कम होती है इससे साबित होता है कि मेरे बच्चा पार्टी लोग रात को चिंकिया मिंकिया करते हैं इसलिए रात को ज्यादा जागते है, है। हैं ससुरे रात को ज्यादा दिखते हैं आज बारह सौ नब्बे है कोई दिक्कत नहीं है ये कौन सा बटन है बच्चा लोग ये कौन सा बटन है बारे बच्चा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल मेरे प्यारे बच्चे ये है प्यार का बटन और ये प्यार का बटन आप लोगों को दबाना होगा एंड ये जो संख्या है 715 के मैं नहीं कहूंगा कि 720 के 820 के होना चाहिए मैं कहूंगा ये 1 मिलियन आपके बाबा एस एस एक सपना देख रहे हैं और वो सपना पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोगों के हाथ में है सो so, जो भी बच्चे इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बिकॉज यहाँ पर सारे कॉन्टेंट फ्री में मिल रहे हैं सारी टीचर आप लोगों को मिल चुके हैं किरण मैम है सलोनी मैम है उसके साथ ही साथ अनुराग सर मैथ्स के लिए बहुत अमेजिंग है बायो के लिए भी दो दो बेहतरीन फैकल्टी हैं तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एस पर कराया जा रहा है तो जरूर बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली सबसे पहले क्षमा चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले माफी चाहेंगे ये ये लीजिए अब मैं उठक बैठक भी कर लेता हूँ कि मैं लेट हो गया लेकिन आप लोग मेरे दर्द को समझते हो बच्चा लोग इसीलिए मैं गाना गा रहा था हम आंखों से बताना बच्चा पार्टी हम समझ जाएंगे बैड सिंगर हूँ बट कोई बात नहीं कभी कभी अपने बच्चा पार्टी के लिए गाना गा देता हूँ सो बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो कौन कौन बच्चा आ गया है? नाम ले लेता हूँ फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज का चैप्टर बहुत बड़ा है सो काजल बच्चा है यहाँ पर विष्णु है कल्पना है पाउडर नहीं था पावर था कुछ शूरभी श्रेया सिंह इन बिग टाइट जादू की झप्पी टू ऑल प्यारा प्यारा बच्चा लो। बहुत लोग लोग बहुत मुझे कहते हैं कि मास्टर साई को है बहुत बातें करता है बट क्या करूं ये मेरा अंदाज ही है कि मैं अपने बच्चा पार्टी के साथ घुल मिल करके उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं तो हिमान जी है मुस्कान है नेहा है बच्चा है, प्रिया है सोहन है आशीष है उपेंद्र है निशिता है जिज्ञासा है मरसी अंशिका प्रीति प्रशांत प्रियांशु आयुष गुरलीत वंशुल मोहम्मद पूजा मेहर हर्ष कृष्णा प्यारे 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 हो चुकी है ये संख्या कितनी जानी चाहिए टेन के जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्यारी फैमिली तो तैयार हो मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं आज क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आज पूरे सेशन में मेरे यही निकलेगा क्या

बोला श्री अम्बे मात की जय हो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख दो तैयार मेरे बच्चा पार्टी सर हम चैट से बातें ये क्या लिख रही अच्छा ये बहुत प्यारा कमेंट है रिया साहू का ओ, सिंचन, मुझे लगा तुम तो बहुत बुरे हो लेकिन तुमने बहुत अच्छा कमेंट किया माँ देखो यस सर हम चैट से बातें पूछेंगे हैं यस सर हम चैट से बातें पूछेंगे अच्छा मेरे गाने का जवाब है क्या तुम से बताना बच्चा हम समझ जाएंगे सच बताना ईमानदारी से बताना दिल से पूछ रहा हूँ ये सवाल इसलिए मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसका आंसर दिल से करते हैं बाबा एस को वापस पढ़ाता हुआ देख करके इग्नोर करिएगा ये वायर है ठीक है नहीं तो आपको लगेगा कि सर <laughs> क्या है बाकी और भी चीजों को इग्नोर कर देना <laughs> कमेंट बहुत कभी कभी बहुत अलग लेवल का कमेंट करते हो तुम लोग हाँ थोड़ी बॉडी थोड़ी बन गई तो क्या करें तुम्हारे बड़े भाई हैं इतना मजाक मस्ती कर सकते हैं एक एक, एक चीज़ दिल से पूछना चाहता हूँ उसका आंसर दिल से करिएगा बिकॉज मैं, मैं मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये भावुक पल होता है जब मैं पढ़ाने आता हूँ कैमरा देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं जी रहा हूँ मुझे लगता है कि सांसें हैं मुझे कुछ बची हुई है तो आंट्रप्रीनोरशिप की जर्नी कंपनी का फाउंडर अरविंद भैया के साथ इतने बड़े कंपनी के साथ में आगे लेकर के चलना विजन बट जब मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ तब मुझे लगता है यार दिस इज माई लाइफ ये रियालिटी है तो क्या आप अपने बाबा एस को वापस देख करके खुश हो बच्चा लोग अगर खुश हो तो आज ये पर ये वाले आ, को टैग करना डिस्कौर्ट डिस्कौर्ट पे जल्दी से ले लो ये स्माइल समाइल लगा नहीं आता नकली वाली हंसी है थ्री टू वन क्या चलो ठीक है खुश मेरे बच्चे यस सारे बच्चों का चार्ट सेक्शन में नाम आ रहा है चलो बहुत बढ़िया मीनाक्षी आकाश स्टाइलिस जईद खान नमन सिंह सेजल कुमारी नवनीत हिमांशु लक्ष्य सूर्भी गुरु रंधावा रानी नंदा स्वास्तिक कल्पना सिमर कौर अविरल रॉय ईशिका नीतू पिंटू मुस्कान लॉट्स ऑफ लव मेरे प्यारे बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच प्यार की संख्या टूके हो जानी चाहिए 1800 बच्चे देख रहे हैं लाइव थैंक यू सो मच तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अगले तीन घंटे जा सकते हैं बड़ा चैप्टर है टू द पॉइंट बात करेंगे और जितना पढ़ाऊंगा सवाल वहीं से आएगा प्री वाई की उस आपको होमवर्क दूंगा और सैंपल पेपर करने की सलाह भी दूंगा डेरीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बच्चों मान करके चलिए डेरिवेशन आता ही आता है सो so, तैयार हो तो अपने स्टार्ट कर देते हैं तुम खो से बताना हम समझ जाएंगे बच्चा पार्टी तैयार बच्चे रेडी एक बार जयकारा हो जाए रेडी चलो तो जब मैं ऐसे करता हूँ इसका मतलब मैं आप लोगों का हाथ मांग रहा हूँ शादी वाला हाथ नहीं पगलेट कि सर हमारा दिखा दो हमारा ब्याह कब होगा बैक पगलेट ब्राह्मणों सर बता दो सर ठीक <laughs> है चलो लव यू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी हाँ सुर भी थैंक यू सोनाली सिंह मेरे को सलोनी सिंह सुनाई दे रहा था वहाँ पर हमारी वाली देखेगी ग्राहक मारेगी हाँ चलो ठीक है अब एक बार जयगारा हो जाए तो बोलिए श्री अम्बे की जय सियाबल रामचंद्र की जय चतुर के पापा को फोन कर लिया जाए बच्चा लोग आनंद आता है तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे चतुर के पापा को फोन करते हैं बच्चा पार्टी हम समझ जाएंगे है ना जय हो थैंक यू बच्चा लोग थैंक यू सो मच ये चतुर के पापा का क्वालिटी तुमरे बिन हमारा कौन हो नहीं <laughs> प्यार का बटन जल्दी से बच्चा लोग टू की हो जाना चाहिए 1.9 के थ्री टू वन कम ऑन हिट द लाइक बटन बच्चा लोग प्यार का बटन क्या शुक्ला जी यस सर कहाँ पहुंचे हो हाय ठीक है तो पहुंचिए उसके बाद फिर सेक्शन को हैंडल करिएगा है? तो है, तो है। है। है बच्चा तो स्टार्ट विद फुल जोश विद फुल थैंक यू बच्चा थैंक यू फॉर द लव थैंक यू फॉर 2.1 के बच्चों का प्यार। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं उन्हें भी ढेर सारा प्यार जो बच्चे लाइव हैं उनके लिए तो प्यार है ही विशाल मित्तल दिख रहा है सर अभी आप नहीं आए थे तो आपकी है कहा लिख रहा था पता नहीं पगलेट का लिखा हाँ तो स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को मैं आता हूं तो मेरे को बहुत सारी बातें करने का मन करता है बट पढ़ते हैं फील के साथ मस्ती के साथ बिना किसी टेंशन के साथ राइट बहुत ज्यादा सीरियस होकर मिलता नहीं है बच्चा इट्स ऑल अबाउट द हैप्पीनेस दिल से खुश होकर के पढ़िएगा सब कुछ अच्छा लगेगा ठीक है चलिए तो जय जय शंभू जय भोले थैंक यू बच्चा थैंक यू सौम्या थैंक यू अलोक एन ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग इस वक्त देख रही है जनता क्या बोलती है बच्चा रॉकी भाई दो हजार से भी ज्यादा बच्चे लाइव है थैंक यू यार थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो बाबा एसएसपी जीवित हैं सो हमेशा 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 आप लोगों से इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे और जब तक सांसे हैं तब तक आपको पढ़ाते भी रहेंगे ठीक है चलिए तो आज का सेशन ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करते हैं रेडी बच्चों एक बार चैट सेक्शन के अंदर अपना दिल बना दो दिल का मतलब होता है सिग्नल सिग्नल का मतलब होता है सर वी आर रेडी लव यू अ लॉट्स ऑफ लव बच्चों तुम आंखों से पढ़ाना सर हम फिजिक्स पढ़ लेंगे सर फिजिक्स से मोहब्बत भी करवा तो दोगे क्या बोलते सर आज बड़े रोमांटिक लग रहे हो <laughs> आज संडे तुमको दे दिया पगलेट यो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू सो मच बच्चे थैंक यू सो मच मेरे लाल बाल गोपाल मेरी प्यारी बच्चा पार्टी तो लेट्स बिगिन तो द सेशन है ना अभी जाओ तो आज का चैप्टर है हमारा ये रहा हमारा नोट्स कल का नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको वो सारा नोट हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं कहा लगता था तोहरा के नहीं लौटेंगे गलत बाबा एस एस पी लौट चुके हैं और बहुत बार यूट्यूब पे पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा लोग मेरा मन नहीं भरता है और मैं आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ जब एग्ज़ाम आएगी मैं लाइव आ जाऊँगा और एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बाद में मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग और कुछ वार्तालाप के लिए लाइव सेशन से भी मुलाकात करता रहूँगा ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं आज के सेशन की तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये आप ही लोगों का फैमिली है बच्चा लोग कुछ भी नहीं है मैं क्या करता हूँ जीवन शैली क्या है कहाँ कहाँ पर एक्टिवेट हूँ उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं उसके लिए आप चाहे तो आज के सवाल आज जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके अगर कुछ डाउट है तो आप उसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी के माध्यम से टैग कर दीजिए वीडियो छोटा सा क्लिक करके आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको हम लोग रीटैग भी करेंगे तो सचिन सर फिज़िक्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथ ही साथ बच्चा लोग आपके बाबा एसएसपी ने एक टेलीग्राम भी बनाया है जहां पर पचास हजार से भी ज्यादा बच्चा पार्टी है यो भाई लोग यार दो चीजें हैं उसमें अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोन उठाए तो ना मैं तो तैयार हूं तो फ्रेंड या तीन चार बार फोन कर दिया तो कट करता हूं सेशन खत्म करके ठीक है ऑडियो मैसेज भेज दूं व्हाट्सएप पे हम्म ऑडियो मैसेज कर दूं हां भाई ऑडियो मैसेज कर दूं

सिद्धार्थ से, से करवाता हूँ ठीक है नहीं तो नहीं हाँ 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 करता हूँ डन ठीक है ठीक है माय कुरु चूले रियाल आवाज आ रही बच्चा पार्टी मेरे लाल बल गवा पाल आवाज बच्चा पार्टी चलो ठीक है यो मेरे प्यारे बच्चे माफी चाहेंगे यार थोड़ा बहुत सारा काम रहता है एक ही सेकंड ये यार चलो ऑल सेट नाउ हाँ हरी बाबा का ही पता है बाबा एस एस पी का काका हैंडल कर रहे हैं चलो तो अरविंद भैया का कॉल था थोड़ा अर्जेंट था इसलिए मुझे उठाना पड़ गया कंपनी है, है चलो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या ही बता सकते हैं बट चलो कोई ना कोई ना ना मैं माफ़ी चाहूँगा माफ़ी चाहूँगा माफ़ी चाहूँगा लेट्स बिगिन द क्लास फटाफट करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो रहा है मैं माफ़ी चाह रहा हूँ उसके लिए बार बार बोल रहा हूँ बट फटाफट फड़। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना बिकॉज आज जो भी पढ़ाया जाएगा जो कुछ भी मैं आगे पढ़ाता हूँ या मेरी पूरी जो टीम पढ़ाती है वो तुरंत आप लोगों को फ्री में नोट्स अवेलेबल कराती है वो एस एस पी के टेलीग्राम पर ही अवेलेबल कराती है और वो टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जा करके चेकआउट कर लीजिए ठीक है बच्चा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म कर दिया आज हम खत्म करने वाले रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स एंड ये चैप्टर मिलाकर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर और सारी चीजें नहीं करनी है बच्चा उतना ही करना है जितना मैं आपको क्योंकि वहीं से सवाल वहीं से क्वेश्चन लगातार बनता नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम एंड देन न्यूक्लियाई ये भी हम लोगों ने कर लिया ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी कर लिया बच्चा है मेरी आशिकी और मेरी मोहब्बत और कितने बच्चों की आशिकी और मोहब्बत है कितने बच्चों की आशिकी और मोहब्बत है कौन सेमी कंडक्टर बहुत सारे बच्चों की होगी कि मुझे पता है क्योंकि चैप्टर में पढ़ाता है इस तरीके से आज भी यूट्यूब पर सर्च मारोगे सेमी कंडक्टर तो बाबा एस पी के वीडियो लेक्चर मिलेंगे बोले श्रीअम्बे की जय हो चल बच्चा क्लास को स्टार्ट करते हैं रिओप्टिक्स रिओप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन जा चुका है रिफ्लेक्शन के बाद में हम सीधा एंट्री मारते हैं कुछ प्रॉपर छोटे छोटे डेफिनेशन के ऊपर हालांकि वो दो तीन डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आती बट दो मार्क्स में अगर आ गया तो बहुत सिंपल है बच्चा लोग मिरर के ऊपर थोड़ी चर्चा मार लेते हैं इसके अंदर कोई बुराई नहीं है बहुत ही सिंपल सी बात है नए स्लाइड पर लेकर के चलूँ तो आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा एंड नया स्लाइड मुझे मिलेगा थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट देख लो बच्चा पार्टी जल्दी से तो हम समझ जाएंगे बोलो श्री अम्बे माते की जय हो भारत माता की बच्चा पार्टी जय हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर के अंदर क्या मिरर के प्रकार जो हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं दो तरीके के होते हैं बिल्कुल सही सर एक होता है ये वाला खुपच 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 इसको कौन सा मिरर बोलते हैं जल्दी बताना मेरे प्यारे राज दुलारे बच्चे मेरे प्यारे हाँ इसको कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चा कॉनकेव मिरर मिरर की खास बात होती है कि इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है क्या होता है इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर इसी तरीके से बच्चा एक और मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मेरे प्यारे अंदर की तरफ सिल्वरिंग होती है और बाहर वाला सरफेस क्या होता है बच्चा रिफ्लेक्टिंग होता है अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है कुछ छोटी छोटी ज्ञान वाले सवाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं छोटे छोटे जगहों पर पूछे जाते हैं इवन सीबीएसई के अंदर भी हो सकता है दो से तीन मार्क्स में सवाल हो मेरा जवाब दीजिएगा देखते हैं कितने बच्चों को आता है जब हम किसी होटल में पिताश्री के साथ माताश्री के साथ जाते हैं नहीं सर होटल में तो हम पिताश्री माताश्री के साथ कहाँ जाते हैं थप्पड़ खाओगे कुछ और सोचा तो जब हम होटल में जाते हैं माताश्री के साथ या किसी के भी साथ तो होटल में जो शेविंग मिरर होता है जो एकदम पास में आपके चेहरे को काफी बड़ा करके दिखाता है बोलिए वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है मई तेरी चून लहराई कॉनकेव कॉन्वेक्स गलत जवाब कॉन्वेक्स कहने वाले बच्चे गलत हैं कॉनकेव मिरर जब कोई बहुत पास से चीज देखने पर वो बहुत ही क्लियर दिखाई दे तो वो कॉनके मिरर होता है इसी तरीके से बच्चा लोग डेंटिस्ट भी किसका यूज करता है आपके दांतों को देखने के लिए क्योंकि पास से उसको उसके दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ता है तो वहां पर भी कॉन्केव मिरर का ही यूज होता है करेक्ट और कॉनवेक्स मिरर का ज्यादातर यूज कहाँ होता है जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के अंदर वाइड रेंज अगर कवर करना है वाइड रेंज तब वहाँ पर किसका यूज होता है मिरर का। दन 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 दन। बोलो मात की जय हो, चमकीला बच्चा पार्टी तो कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है जब हमें वाइड रेंज कवर करना होता है आजकल आप देखिएगा जो गेटेड सोसाइटी बनती है जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है उस सोसाइटीज में जहां पार्किंग होता है वहां पर एक बड़ा सा ऐसे करके कांच लगा होता है अच्छा देखो सर कांच की भी आप मिमिक्री करते हो कांच कांच ही होता है होता है है क्या क्या वो एक्चुअली करता तो जब दूसरी गाड़ी इधर से आती है तो गाड़ी रोड पर से आने वाली गाड़ी का टक्कर ना हो जाए तो उसका इमेज आप लोग देख पाते हो यानी कि वाइड रेंज वो कवर करने के लिए यूज किया जाता है क्या ये छोटी छोटी बातें हर बच्चे को समझ में आती है अगर छोटी छोटी बातें मेरे लाल बाल गोपाल को समझ में आती है बच्चे तो जरा जल्दी से बताना इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं बोलो श्री अम्बे मात की जय हो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट को बच्चे लोग पोल कहते हैं द मिड पॉइंट कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन फटाफट इसे क्या कहा जाता है पोल वेरी गुड ओके बच्चा लोग नंबर टू क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं हां जी सर एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिक ज्ञान सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे हमारा कॉन्ग्यो मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना होता है वो एक तरीके से स्फेरिकल मिरर ही होता है स्फेरिकल मिरर को बीच में से काट करके एक बार सिल्वरिंग यहां से करिए एक बार सिल्वरिंग यहां से करिए तो इसका जो सेंटर होता है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो चमकीला बच्चे ला बच्चे वेरी गुड एंड द रेडियस ऑफ दैट इस फेरिकल मिर इज नोन एज वॉट रेडियस ऑफ करवेचर क्या यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए तो उसके बाद ऑल द रेस विच आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ये वाले लाइन को पीली वाली लाइन द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ करवेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट इज नोन एज वॉट द रेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ करवेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट इज वॉट एक्सिस ऑल द what? विच आर F टू F प्रिंसिपल मतलब, F मतलब फाड़ देंगे सर किसको? पेपर को बस सही है लेकिन यह एफ का मतलब क्या है प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस से लेकर के बच्चा लोग ऑप्टिकल सेंटर तक के दूरी को क्या कहते हैं फोकल लेंथ तो प्रिंसिपल फोकस तुम से फिजिक्स पढ़ना बच्चा लोग दिल से हम पढ़ा देंगे और क्या है फोकल समझ में आ गया तो अपने आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन अगर कोई पूछ ले तो लाइट इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्ट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में कट चुका है आपके सीबीएसई के अंदर नहीं आने वाला है तो विल डायरेक्टली जंप द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ माई तेरी चू निया फिजिक्स पढ़ाई हाँ कुछ बच्चे कह रहे सर मिरर से क्वेश्चन नहीं आता बट बेसिक डेफिनेशन की जरूरत है इसलिए बताया उसका रीजन है ये समझोगे तो फिर आपको एक डेरिवेशन समझ में आएगा डन मिरर का डेरिवेशन कट, चुक, कट चुका है बट एक डेरिवेशन आपके अभी भी एग्जाम में है और वो क्या है पता है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ जहां पर आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ क्या है फोकल लेंथ आज वो धड़ाके के साथ करते हैं फटाफट बच्चा पार्टी सो नाउ वी विल डील विथ रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ प्यार हो जाएगा बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनना एकदम आनंदी की अनुभूति आएगा लगेगा भौतिक विज्ञान ससुरा जीवन है धड़ाधड़ समझिए रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिरर बनाया ये मिरर क्या है एग्जाम के अंदर डायग्राम आपका बहुत खास होता है डायग्राम से एग्जामिनर आपका मार्क्स देगा ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यह आपका प, 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 पोल या आपका फोकस पॉइंट या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यह है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और यह है आपका फोकल लेंथ डन 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 आर सारे बच्चे कह रहे बहुत बढ़िया बट इसको डेराइव करना है डेरिवेशन कितने मार्क्स का आ सकता है सर तो डेरिवेशन बच्चा लोग दो मार्क्स का आ सकता है प्यार हो जाएगा आपको इस डेरिवेशन से ध्यान दीजिएगा अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट समझा ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट जब मिरर से टकराती है तो कहां से पास होगी फोकस से पक्की बात और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं एक लाइन खींचूं यहां पर तो क्या ये मेरे लिए नॉर्मल की तरह ही एक्ट करेगा हाँ अरे बाबा अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर है यहां से हमने एक लाइन खींचा और ये आपका टेंजेंट है तो एंगल हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री यस अस्थिता यस विशाल यस आदित्य यस पंकज यस सूर्वी बच्चे जतिन वर्मा बहुत अच्छे मेरे लाल बाल गोपाल मात की जय हो तो अब बच्चा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये आपका थीटा होगा जेड बन रहा है ना और ये पूरा का पूरा एंगल आपका टू थीटा है बच्चे तो ये आपका टू थीटा होगा खेला खत्म पैसा हजम भाऊची नाचे छमा छम चम, बहुत सिंपल है यहाँ से एक नाइन्टी डिग्री का लाइन खींचो ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे अब मैं आपको लेता हूं सबसे पहले टें थीटा बट आपको थीरी लिखते वक्त ये चीज जरूर मैंशन करना है ट्रायंगल सी क्यू और आई में आपको जो नाम देना वो दे सकते हो ट्रायंगल सी क्यू आई में बोलो टें थीटा क्या होगा बोलो बच्चा पाटी टेन थीटा क्या होगा बोल बच्चा पार्टी टेन थीटा टेन थीटा मेरे प्यारे बच्चे टेन थीटा टेन थीटा बच्चा लोग यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट दैट इज क्यू तो ये हो गया क्यू आई अपॉन में दिस दैट इज व्हाट आर इसी तरीके से बच्चा दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो खुपाच 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 तो टेन टू थीटा क्या होगा टेन टू थीटा दैट इज क्यू अपॉन में बच्चा पार्टी एफ अब एंगल बहुत छोटा हो तो हम टेन थीटा को ना थीटा ले सकते हैं इसलिए थीटा बराबर में आया क्यू आई अपॉन में आर और यहां पर हो गया टू थीटा इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन में एफ अब थीटा की वैल्यू मैं यहां से प्लेस कर देता हूं तो सिंपल टू इन टू थीटा थीटा मेरा है क्यू आई अपॉन में आर एंड देन बच्चा पार्टी Uh, क्या गया क्यूआई अपॉन में एफ ओ हो हो सर जी सिंपल कैंसल कैंसल यानी कि आर बराबर टू एफ बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो सिया बलराम रामचंद्र की जय हो बोलो पिक्चर क्लियर है बच्चा एकदम बढ़िया से फील के साथ कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अजीब लिख रहे हैं कि सर दिखाई नहीं दे रहा मैं इस चीज़ को कैसे मानूँ मैं मान ही नहीं सकता उसका रीज़न है बच्चा लोग कि मुझे तो बोर्ड पे सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है मेहनत करके आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लेके आया क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है ना सबको एक दो है पगल लोग क्या ही कर सकते हैं इतना साफ साफ तो दिख रहा है सर हमको दिख रहा है यहाँ पे बोलो पिक्चर क्लियर बच्चे ब्लर है क्या बात करते हो रुको हमको भी एक बार स्क्रीन चेक करने दो तो कहां ब्लर है यार एकदम साफ साफ दिख रहा है बच्चा मारेंगे एकदम गिर जाओगे बम की तरह कहां ब्लर है बच्चा लोग एकदम क्लियर है यार किसी को कोई दुख तकलीफ एकदम क्लियर है भाई कहा दिक्कत है सब दिख रहा है हमको हाँ, चलिए ठीक है उजाला ओके तो ये डेरिवेशन चमका एकदम बढ़िया से बच्चा लोग कहा लगता था तो के नहीं लौटेंगे गलत लौट गए बच्चा बाबा एसएसपी है आपके लौट चुके हैं बच्चा मायरे चलिए अपने आगे बढ़ते हैं <laughs> आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिलेशन बिटवीन होमवर्क तो करने के लिए पीवाई क्यूस उस मिलेगा उसके अंदर मेरी नोट्स भी आपको मिल जाएगी और ये भी आपको मिल जाएगा अब एंट्री मारते हैं बच्चा पार्टी रिफ्रैक्शन के अंदर लिख लिख करके समझाता हूं ठीक है रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट ऑलवेज आई रिपीट माय सेंटेंस व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट ऑलवेज चेंजेस इट्स पाथ इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं और रिफ्रैक्शन तीन मार्क्स में लिखने को आएगा इसके लिए आपको बड़ा अच्छे से ध्यान से इसका डेरिवेशन समझना है तैयार समझने के लिए फील के साथ आइए देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक मीडियम है ठीक ये हमारे पास में एक मीडियम है तो इस मीडियम में यहां से एक लाइट एंट्री मारी खुपच इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट रेस ये लाइन को हमने खींचा ये आपका क्या बोला जाएगा नॉर्मल तो इस लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए बड़े नहीं जाता क्योंकि बाहर एक अलग मीडियम है और अंदर एक अलग मीडियम है तो ये ऐसे इधर बेंड हो जाता है इसका मतलब ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाना इसी इवेंट को क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन कहा जाता है अक्सर आप एक कांच का ग्लास लीजिए उसमें पेंसिल डालिए तो आपको लगेगा पेंसिल टूटी हुई है अब बच्चा ये आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत वक्त लगेगा बट आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आता होगा कि रिफ्रैक्शन है क्या रिफ्रैक्शन बेसिकली द लाइट फ्रॉम वन मीडियम मीडियम टू अनदर इट ऑलवेज चेंजेस इसी चीज को कहते हैं रिफ्रैक्शन सबसे पहले रिफ्लेक्शन लिख लेना है अच्छा ये वाले को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और ये वाले को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल करेक्ट हो अच्छा थोड़ा और समझिए ये देखो ये लाइट यहां पर आया अब वापस इसको बाहर निकलना है तो क्या ये फिर से स्ट्रेट जाएगा या थोड़ा फिर डेविएट हो जाएगा फिर से डेविएट हो जाएगा सर क्यों क्योंकि अंदर का मीडियम अलग है बाहर का मीडियम अलग है बाहर के मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है बाहर जो रफ्तार है लाइट की वो वी वन है और अंदर जो रफ्तार है वो वी टू है जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चा वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहला रूल क्या है सबसे पहला रूल वही है जो आपके रिफ्लेक्शन में रहता है कि इंसिडेंट रेस रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल लाइन क्या सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन नो बच्चा पार्टी यस और नो मेरे लाल बाल गोपाल ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा और आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा किसके साथ हमारे साथ नहीं फिजिक्स के साथ फिर तुम अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे यस yes, करेक्ट बहुत अच्छे दूसरा जो होता है बच्चा उसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसको लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं दूसरा बहुत ध्यान से सुनिएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कहा जाता है यानी मैं इसे कह दूं कांस्टेंट तो कोई बुराई वाली बात यहां पर नहीं होगी इसे ही कांस्टेंट कहा जाता है और यही कांस्टेंट हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह होता है क्या ये सभी के दिमाग के अंदर सभी के मेमोरी कार्ड के अंदर घुसी ली अच्छे से आई रिपीट माय सेंटेंस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यस और इसी चीज को बच्चा लोग क्या कहा जाता है इसी चीज को कहा जाता है बच्चा पार्टी स्नेल का नियम स्नेल्स लॉ थोड़ा इसको और डेफ में समझते हैं बाहर के लिए बात करूं तो एन वन बराबर सी अपॉन में अंदर के लिए बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी एन टू अपॉन में सी एन टू इज इगोल और ये जो एन टू वन है इसका मतलब होता है बच्चा लोग एन टू अपॉन में एन वन यानी एन टू की वैल्यू पटकोगे तो सी अपॉन में वी टू और सी अपॉन में वी वन यानी एट डी ये टूट के आएगा वी वन अपॉन में वी टू बोलिए श्री अम्बे मात की जय अब पूरे इक्वेशन को एक साथ लिख दो साइन आई अपॉन में साइन आर है जी बच्चा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू वॉट एन टू वन एन टू वन क्या है n2 अपॉन में n1 है और n2 अपॉन में n1 क्या है v1 अपॉन में v2 है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करके रखना है इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं और यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है अपनी वाली का नाम भले याद ना हो अपने वाले का नाम भले ना याद हो लेकिन क्या स्नेल्स लॉ याद रहेगा बच्चा पार्टी बोलो पिक्चर क्लियर समझ में आया मेरे बच्चे आनंद की अनुभूति आई बच्चे लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है चलो ठीक है ग्रेट बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूं ना जिस तरीके अरे वाह हमारे शुक्ला जी के दोस्त आ चुके हैं आइए आइए शुक्ला जी का प्लेस लेने के लिए शुक्ला जी की तरह ही साक्षात एक एक व्यक्तित्व यहाँ दर्शन दे चुके हैं जिनका नाम है सतीश कुमार आप जानते हो ए टू मोटिवेशन पर जो धड़ाधड़ वीडियो जाती है उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखने का काम सतीश जी करते हैं तो बोलिए सतीश आनंद महाराज की बोलो थोड़ा जोर से बोलो बोलो सतीशानंद महाराज की वाह सारे बच्चे जय लिख रहे हैं <laughs> चलो ये बच्चा क्लियर हो गया अब मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से प्यारा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर लाइट रेड से डेंसर में घुस ली रेड से डेंसर में घुसी तो क्या ये नॉर्मल लाइन की तरफ झुकी तेरी झुकी नजर अरे वाह वो सुरभि ने लिख दिया तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होगा तो शॉर्ट फॉर्म में रेयर टू डेंसर बेंड हो जाएगा यही उल्टा कर दो अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये अवे हो जाएगा ये शॉर्ट फॉर्म याद रखो बच्चे मन के सच्चे तो जब भी लाइटवा घुस ली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तो ये झुकली और अगर डेंसर से रेयर में जयली तो भगली तुमरी वाली भगली बच्चा नहीं ये बोलो आनंद महाराज की अरे यार मजा आता है बोलो सतीशानंद महाराज जी की तुम बहुत अच्छे हो सतीश सच में बस यही गलती कर रहे हो कि तुम शादी कर रहे हो <laughs> सच बोलो तो सब गलती करते हैं तो। <laughs> दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है धन बच्चा मजाक मजाक में एक और चीज हो गया ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बाद अब यहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी कहानी आ जाएगी देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लिख करके वो भी है और स्लाइड के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन भी चकाचक है अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ये भी हो गया यस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारों का चमकना या तो डायमंड का चमकना क्या ये है घटना इसी को है कहना टी आई आर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है डायमंड सदा सदा के लिए चमकता है उसके पीछे की कहानी यही कि लाइट एक बार घुस जाती है तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट मारती रहती है यही आप लोगों का टी आई आर है बट टीआईआर के लिए किस स्पेशल फॉर्मूले का यूज किया जाता है मैं आप लोगों को वो स्पेशल फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ठीक है आ भी जाओ और लिख करके समझाऊं कि स्लाइड में एक्सप्लेन करो जब ये स्लाइड आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर मेरी लिखावट भी रहेगी और ये स्लाइड का एक्सप्लेनेशन भी रहेगा पीपीटी फॉर्म में लिख करके तो आ जाइए बच्चा तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही जबरदस्त कहानी समझाता हैं और सतीश कुमार सब बढ़िया क्यों लेकिन बताओगे तुमरी वाले का नाम बताओ फेमस करते हैं तुमरी वाले का टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बच्चे <laughs> बोल रहे तो जैसे मान लीजिए यहाँ, यहाँ पर एक मीडियम है और इस मीडियम के अंदर यहाँ पर एक लाइट सोर्स है राइट तो अब यहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है सारे डायरेक्शन के अंदर पहली वाली लाइट ऐसे गई कुपाच और बिना रिफ्रैक्ट हुए ऊपर चली गई ऐसा क्यों रिफ्रैक्शन नहीं हुआ सतीश बाबू बताएंगे बस सतीश बाबू बताओ जो भी बच्चे नए आए हैं पहली बार एस के प्लेटफॉर्म पर तो उनका दिल से शुक्रिया स्वागत है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बी अ पार्ट ऑफ फैमिली आप इसी फैमिली का हिस्सा बन जाओ उसके लिए आप लोग खूबसूरत सी रेड वाली बटन जरूर दबा लीजिएगा नहीं दबाएंगे तो भैंस वाला इंजेक्शन लगेगा अपने आप रात को नींद नहीं आएगी बैठ नहीं पाओगे दूसरा प्यार का बटन नहीं दबाया हो तो दबा देना तीन हजार बच्चों ने अपना प्यार दे दिया है थैंक यू सो मच फॉर दैट यस बच्चा लोग उसका रीजन है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं जो एन वन साइन थीटा वन हम लिखते हैं साइन आई आई आपका जीरो है तो अगर आई ही जीरो है तो आर भी जीरो का रिफ्रैक्ट नहीं होगा बट दूसरी वाली जो लाइट गई यहाँ पे अभी आपका डेंसर मीडियम है इसको हम लोग एन टू बोल देते हैं और ये आपका एन वन है तो अब बच्चा लोग लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है डेंसर से तो डी आर डेंसर से रेर जाएगा तो स्ट्रेट जाने की बजाय बेंड हो जाएगा चमका अब आप खुद ही सोच रहे होंगे कि अगर हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो एक चांस ऐसा भी होगा कि लाइट सीधा का सीधा इस सरफेस पर इस तरीके से निकल जाएगा यानी तब रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होगा क्या ये वो लास्ट केस है जिसके बाद जरा सा भी लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने थोड़ा और बढ़ाया तो ये सीधा इसी मीडियम के अंदर घुस जाएगा यस सोनो बच्चा पार्टी करेक्ट तो यहां पर आता है कहानी क्रिटिकल एंगल का द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स नाइन्टी डिग्री उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल मतलब ये एंगल के बाद लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट मारती रहेगी तो हम इसका नाम दे देते हैं ये देखो, ये, ये, है, तो ये तो देखो तो बाबा स्नेल ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा क्या बोलते हो सतीश बाबू इसी ने कहा था ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बाबा स्नेल ने कहा था यहां पर लगाइएगा फॉर्मूला एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर अब आपके ऊपर है एन वन आपने इसको माना तो एन वन साइन आई यहां पर दिखाई दे रहा है साइन नब्बे इज इक्वल टू एन टू यानी अंदर की तरफ और रिफ्रेक्शन आपका दिखाई दे रहा है साइन सी चमका बच्चा लोग पिक्चर क्लियर साइन नब्बे की वैल्यू कितनी वन तो ये आपका हो गया एन वन इंटू वन इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन सी यानी कि साइन सी इज इक्वल टू एन वन यानी कि रेयर मीडियम और एन टू का मतलब है डेंसर मीडियम अर्थात सी इज इक्वल टू साइन का इनवर्स एन रेयर अपॉन एन डेंस क्या पिक्चर क्लियर है बच्चा लोग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन मार्क्स में आ सकता है अगर क्लियर है तो अपने आगे बढ़े तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल एंड रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है तो आपको सबसे पहले उसका क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ता है एंड दैट क्रिटिकल एंगल इज वॉट साइनस इज इकल टू वन अपॉन एन सी टू साइन इनवर्स एन वी आर संगट रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरी नहीं है रेयर मीडियम हर वक्त हवा हो इसीलिए आपको याद ऐसे रखना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट डenser मीडियम अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा शुक्ला जी शुक्लाइन के लिए डायमंड लेके आए क्या लेके आए बच्चा लो डायमंड और शुक्लाइन बहुत चालाक क्योंकि चतुर की मम्मी बहुत चालाक होती है ठीक है शुक्ला जी के बच्चे का नाम है चतुर, चतुर। जो शुक्ला अपने पिता शुक्ला चतुर जो अपने पिताजी को क्या कहते हैं पापा 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 तो दो डायमंड लेकर क्या शुक्ला जी एक उसमें से असली था ससुरा एक नकली था शुक्ला भी खतर आदमी ब्राह्मण आदमी तो चालाक तो होना तो खून में पैदाइश खून में चालाकी दिखाई तो शुक्ला जी ने कहा ए शुक्लाइन जो पहला वाला डायमंडवा है और जो दूसर का वाला डायमंडवा है और दोनों का जो क्रिटिकल एंगल है शुक्लाइन चालीस डिग्री है ठीक है तो शुक्लाइन बोली ठीक है शुक्ला जी हम एस एस पी सर से फिजिक्स पढ़े हैं असली और नकली की पहचान अभी कर लेंगे शुक्ला जी ने बोला इन टॉर्च मारिए इन टॉर्च मारिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उनचालीस डिग्री है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इकतालीस डिग्री है तो बताइए सुकलाइन क्या कहेगी किसमें टी आई आर होगा पहले वाले डायमंड में या दूसरे वाले डायमंड में सतीश जी आपके लिए भी सवाल तुम आंखों से बताना हम आंसर दे जाएंगे गाना भी गा लेता तो? हूँ करेक्ट पा, 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 पा। बच्चा पार्टी अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा ये देखिए यहां पर क्रिटिकल एंगल इतना ही है यहाँ पर इतना है सदी जरा एक बार अपने मोबाइल में एस प्लेटफॉर्म पर जरा देखो ये क्लियर दिख रहा है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए तभी टी वैलिड है अदरवाइज बच्चों टी वैलिड नहीं है क्या ये कहानी हर बच्चे के दिलो दिमाग के अंदर मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बस जाएगी यस सर अगर बस चुकी है तो अपने आगे बढ़े बच्चा इसी के कहानी के ऊपर एक ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपको छोटा सा काम देंगे ऑप्टिकल फाइबर अगर नहीं आए तो मेरे पुराने लेक्चर्स भी हैं क्ला उसके क्वेश्चन कम आते हैं बट अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा लेकिन अपने आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ चीजें है जहां पर क्लियर है कुछ कुछ चीजें मेरे लाल बाल गोपाल के ऊपर छोड़ता हूँ ठीक अल हबीबी हम तुमको थोड़ा बहुत काम देती तो तुम काम करती चलो आगे बढ़ती सर फिजिक्स तुम पढ़ा दो तो हम फिजिक्स में फोड़ आएंगे टाणा टाणा अब देख बच्चा यहां पर काफी खूबसूरत डायग्राम है थोड़ा समय बचाने के लिए डायग्राम का यूज करते हैं रिफ्रेक्शन बाई इस फेरिकल सर्फेस और ये डेरिवेशन आपका बच्चा पार्टी कितने मार्क्स का आता है तीन मार्क्स में अपने खून से निकले जा रहे हैं हम लोग मार्क्स का डेरिवेशन तैयार समझने के लिए <coughs> प्यार मोहब्बत सीखने के लिए तैयार बच्चा पार्टी सिर्फ डेरिवेशन नहीं चल रहा सारी कहानी समझा रहे हैं आपको टन आ जाओ देखो तो यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली खुपैच स्ट्रेट जानी चाहिए बट स्ट्रेट नहीं जाएगी क्यों क्योंकि रेयर मीडियम है वो डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल लाइन सी से निकलने वाली लाइन अक्सर नॉर्मल होती है उससे बैंड हो जाएगी नॉर्मल लाइन की तरफ चली जाएगी तो ये देखिए नॉर्मल लाइन की तरफ ऐसे गई आगे चली गई दूसरी वाली जो लाइट है बच्चा वो स्ट्रेट जा रही है जो स्ट्रेट जाएगी तो फिर रिफ्रैक्ट होगी भी नहीं वो सीधा स्ट्रेट चली जाएगी सीधा स्ट्रेट जाकर के यहां पर दोनों का मिलन है तो ऑब्जेक्ट के दोनों जो इंसिडेंट रेस थे और दोनों रिफ्रेक्टेड रेस है वो यहां मिल रहे हैं इसलिए इस ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या बन जाएगा आई आई का मतलब अरे मुरी माई बिल्कुल भी नहीं यहां पर आई का मतलब है इमेज कलर दीप के ओपी पता नहीं क्या लिख रहा है मैं उसके उस पर अच्छा तो मैं आ जाता हूं ये कैसे 90 लिखा है ये रहा मेरा एन वन तो ये मेरे लिए इंसिडेंस एंगल हो गया ना तो ये थीटा वन और ये थीटा टू सिंपल थीटा टू मैंने सी लिया थी मेरा नब्बे लिया है चल बच्चा आगे देखो चैट में जिसका दिख जाएगा कमेंट तो हम पकड़ लेंगे चिंता ना करो क्लैरिटी है आप डेरिवेशन एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है सी फॉर कटरीना क्या बिल्कुल भी नहीं सीमा ने कैट मतलब बिल्ली है जिससे हम बहुत डरती तो हम बिल्ली नहीं पालती लेकिन सी से लेकर के पोल तक के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहां से यहां से तक इमेज है तो इमेज के लिए जो डिस्टेंस है है वो आप लोगों का वी है, राइट अब बहुत ध्यान से देखो बच्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं स्नेल स्लो लगाने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी ये हो जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू एंड देन साइन आर दिफ्रैक्टेड एंगल क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स के अंदर तो हम साइन आई को आई मान सकते हैं और हम साइन आर को आर मान सकते हैं तो इसीलिए ये आपका हो गया एन वन आई इज इक्वल टू एन टू एंड देन आर दिस इज इक्वेशन नंबर वन बोलिए श्री अम्बे माता की बोलो पिक्चर क्लियर है यस सर लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है चम चम चमका बच्चा लोग डना डन डन ठीक क्लैरिटी तो दिख रहा है कई लोग का कुछ लोग बोल रहे हैं क्लैरिटी नहीं है ओके okay. अब देखिए ध्यान से इस ट्रैंगल के अंदर यहां से यहां तक एक्सटीरियर एंगल कौन है इस में इसमें और एस में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है एक्सटीरियर एंगल बच्चा लोग एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल आई तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज अ सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होना चाहिए सॉरी तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इसी तरीके से इस ट्र में देखो खुपच 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 एंड खुपच तो so, ये आर है ये आपका बीटा है यानी कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा यहां से बच्चा लोग मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो गया मेरा गामा माइनस में बीटा मैं ये वाली वैल्यू जो मार्क कर रहा हूं और ये वाली जो वैल्यू जो मैं मार्क कर रहा हूं दोनों को उठा के मैं इक्वेशन वन में पटकने जा रहा हूं आ जाओ पटक देते हैं यानी कि एन वन आई आई की जगह पे क्या होगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एन टू आर आर की जगह क्या होगा गामा माइनस में बीटा ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इज इक्वल टू एन टू गामा माइनस में एन टू बीटा एन टू एन टू को एक तरफ ले आते हैं हाँ बीटा और गामा को एक तरफ लेके आ जाओ तो ये देखो यहां पर ऑलरेडी एन वन गामा है यहां पर एन टू गामा है तो ये आपका हो गया एन टू माइनस में एन वन गामा ये एन टू को इधर लेके आ जाओ हाई कुछ लोचा मार का ए बच्चा कुछ लोचा मार दिए हैं हाँ आगे आगे सही है तो एन वन अल्फा प्लस में एन टू बीटा सही तो है कोई दिक्कत नहीं है सही है सर यस yes, बच्चे नाउ अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस और एंगल बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं यानी अल्फा इज इक्वल टू ये अपॉन में ये बट इधर आ रहा है इसीलिए माइनस होगा तो ये आपका हो गया माइनस में एन वन या आपका एन पी अपॉन में यू प्लस एन टू वॉट अबाउट बीटा तो बीटा इज इक्वल टू दिस दैट इज एन पी अपॉन में वॉट बच्चा दैट इज वी एंड देन एन टू माइनस में एन वन और फिर गामा गामा की जगह पर क्या लिखोगे एनपी के बटे में आर तो ये NP के बटे में आर हो गया। अब जो कटे काट दो अब जो कटी वो काट दो बच्चा लोग तो क्या कट रहा है कट रहा है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी एनपी एन पी एन पी यानी फाइनल जो आपका आंसर आया वो आया माइनस में एन वन अपॉन में यू प्लस एन टू अपॉन में वी इज इक्वल टू एन टू माइनस में एन वन अपॉन में आर बट आप एनसीआरटी उठाओगे तब आपको एक चीज समझ में आएगा कि सिर्फ यही वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है इक्वेशन कौन सा इक्वेशन और इंपॉर्टेंट है यह आप तब लगाओ जब आपका लाइट कहां से चल रहा है आपका लाइट चल रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चले तो ये इक्वेशन लगाओ अगर आपका लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में चले तो खाली एन को चेंज कर दो एन वन की जगह पर एन टू लिख दो माइनस एन टू अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन वी इज इक्वलिए जय हो सामचंद्र की जय हो बोलो पिक्चर क्लियर है बच्चा थैंक यू शुभ थैंक यू ज्योति थैंक यू विशाल मित्तल मजा आ रहा है बच्चा लोग आनंद की अनुभूति आ रही है बच्चा पार्टी आनंद की अनुभूति आ रही है बच्चा पार्टी लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है एक और डेरिवेशन हमारा समाप्त हुआ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डेरिवेशन। मैं आपको बताऊं इस चैप्टर से डेरिवेशन 99% परसेंट आएंगे न्यूमेरिकल ऐसा होगा फुद्दू काइंड ऑफ जिसको आप इजीली कर लोगे और वो पी वाई के उस वाले ही क्वेश्चन करो और जो सैंपल पेपर है बस वही करो आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन करने जाओगे कुछ नहीं पाओगे मैं बता रहा हूं मार्क्स नहीं आएंगे मार्क्स बेहतर लाना है तो जितना टू द पॉइंट पढ़ाए टीचर उतना आप कर लीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं उतना ही करना है उस और कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चे ठीक है जितना पढ़ा हूं आपको उतना करना है और आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना करना है बस उतना ही करके जाओ बाकी जो बच्चे रिवाइज मुझसे मेरे पुराने वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं वो बेहतर मार्क्स ही लेके आएंगे उसमें कोई शक वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चा पार्टी टना टन, टन। टना टन, टन ठीक है तो अब हम एंट्री मारेंगे लेंस के अंदर तुम आंखों से बताना हम सुल जाएंगे अब आपको रिफ्रेक्शन लेंस और लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशन बहुत बार पूछता है दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको इसी स्लाइड पर एक्सप्लेन करूंगा बट आप कह रहे हैं कि सर खुद से पूरा ब्लैक पे करिए तो लीजिए हम ब्लैक पर आ जाते हैं ठीक है तो हम यहां पर हेडिंग मार देते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले के ऊपर और ये बच्चा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान से सुनना आपको मजा भी आ जाएगा यहां पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस डायग्राम को देखते हुए बताइए कौन सा लेंस है कॉनकेव या कॉन्वेक्स दो ही तो लेंस होते हैं जिसमें आपको ज्यादातर पूछा जाता है <laughs> राघवी वर्मा तो अगर आप चले जाइएगा तो कहा हम मार देंगे एक बच्चा कह रहा है सर हमको जाना है करने के लिए तो कर आइए हम तो यहां पर जिस शहर से पढ़ा रहे वहां से आप लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते तो जाओ यार <laughs> ब्रेक चाहिए बहुत लोग पूछ रहे हैं तीन पंद्रह तीन बीस पे तो क्लास ही स्टार्ट हुआ तो अभी नहीं आधे घंटे बाद ब्रेक देंगे चैप्टर खत्म करने के बाद ब्रेक देंगे ठीक है बीस पच्चीस मिनट और दो चलो आ जाओ कॉन्वेक्स करेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चा लोग पोल या ऑप्टिकल सेंटर दिस इज ऑप्टिकल सेंटर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे गई स्ट्रेट जाना चाहिए बट नहीं जाएगा रिफ्रैक्शन की वजह से फिर इसे भी स्ट्रेट जाना चाहिए नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहां आया इसकी इमेज फाइनली यहां बनती है डेरिवेशन समझने के लिए डायग्राम का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस लाइट को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें ये यहां पर तो यहां पर ना बच्चा हमको वर्चुअल इमेज मिलेगा आई डैश ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं U से ये मेरे लिए वर्चुअल इमेज डिस्टेंस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वी डैश से और ये मेरे लिए फाइनल इमेज का डिस्टेंस है इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वी से बहुत ध्यान से समझिएगा लेंस का चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे आपका डेरिवेशन हो बहुत ध्यान से सुनना ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको आपके शिक्षक आपके स्कूल के टीचर्स लैब को लैब में ले जाते होंगे पता नहीं मुझे ले जाते भी हैं कि नहीं ले जाते हैं बट जब लैब में लेके जाते होंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करते होंगे नहीं करते होंगे तो बहुत गलती वाली बात है कि जब भी लेंस का केस होता है ना तो इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस और द सरफेस इसको याद करना है विल बिहेव विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस और द लेंस इस बात को समझिए इस बात को समझिए पहले वाले सरफेस से मिलता इमेज दूसरे वाले सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है यहां मेरा लाइट रेयर से डेंसर में चला प्यार हो जाएगा जिस हिसाब से पढ़ा रहे ध्यान से सुनोगे तो अगर लाइट रेयर से डेंसर चला बाबूजी, तो फॉर्मूला था माइनस में एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू तो एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हमने आर वन नाम दिया और इस वाले को हमने आर टू नाम दिया क्या इक्वेशन समझ पड़ा तो यहां पर मैंने आर वन लिखा बट एक गलती है यू तो आपका यू है बट पहले वाले के लिए इमेज वी-डैश है तो यहां पर मैं डैश करूंगा चमकीला 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 बच्चा पार्टी चमकीला वेरी गुड आप सुनना दूसरे वाले के लिए लाइट डेंसर से रेयर चल रही है ना तो अगर लाइट डेंसर से रेयर चलेगी तो यहां चेंज हो जाएगा माइनस एन टू अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन वी इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन में आर टू बट मेरे प्यारे बच्चे दूसरे वाले के लिए जो यू है क्या वो पहले वाले के लिए इमेज था यानी चेंजेस क्या आएगा इस यू के जगह पर आपका वी डैश हो जाएगा बाकी सब सेम है और यहां पर आर टू है अब यह आपका इक्वेशन वन पहले बोलो ये चमका है कि नहीं अगर ध्यान से समझ जाओगे तो लाइफ टाइम तक याद रहेगा ध्यान से नहीं समझोगे तो गलती करोगे अगर गलती करेगा तो नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी तो फिर तुम्हारा टीचर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा तुम्हारा तो टीचर मार्क्स काट लेगा तुम्हारी तो तो मम्मी खुश नहीं होगी मम्मी खुश नहीं होगी तो खाना नहीं देगी तो खाना नहीं देगी तो बीमार हो जागो बीमार हो जाएगा फिर गर्लफ्रेंड छोड़ देगी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी तो रोने लगे रोने तो डिप्रेशन में में आ आ डिप्रेशन जाओगे इसलिए बच्चा पार्टी में चाहता इसको ध्यान से समझ लो तुम आंखों से समझाना सर हम लोग समझ जाएंगे सारा देखो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी डिप्रेशन में आ जाएंगे इसलिए सर आपसे डाउट पूछ रहे हैं पागल लोग माय गॉड ध्यान से देखो कुछ नहीं है जो मैंने पहले इक्वेशन लिखा एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वीवल टू एन टू वन एन वन अपॉन आर वो रेयर से डेंस में चल रहा था लेकिन जब दूसरे सरफेस की बात करते हो तो डेंसर से रेयर में जा रहा है और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये चेंज करो पहले एन टू एन वन एन एन वन एन टू और नीचे जो यू आता है मैंने यहां क्या लिखा है कि इमेज ऑफ द फर्स्ट लेंस इमेज ऑफ द फर्स्ट लेंस विल बिहेव लाइक अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड तो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट ये है ना तो इस यू की जगह पर वी डैश आ जाएगा खेला खत्म पैसा हजम बहुजी नाचे छमा छम चम. आप दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिएगा तो देखिए एन टू अपॉन वीडेस एन टू अपॉन वीडेस कट जाएगा बच्चा क्या एन वन अपॉन यू एन वन अपॉन वी यानी करो तो आ गया आर वन माइनस मै वन अपॉन आर टू अब इसको भी सब्जेक्ट बना लो तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन मै एन वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस में वन अपॉन आर टू अब यहां पर एक छोटा सा लॉजिक होता है यहां एक छोटा सा लॉजिक है अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा फोकस पर अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा ऑफ कोर्स फोकस पर बनेगा तो अगर आपको यू इंफिनिटी रखोगे तो वन इंफिनिटी जीरो वन अपॉन क्या बन जाएगा एफ बन जाएगा सो वन अपॉन इज इक्वल टू दिस एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस में वन अपॉन आर टू क्या इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला यस सर ये क्या है आपके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला है इसका कंपैरिजन अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन के साथ करिएगा तो इसका आर एच एस इसका आर एच एस सेम है तो एल एच एस का कंपेयर कर दो यानी ये निकल के आया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बोलिए श्री अंबे मात की जय सिया बलराम चंद्र की जय हो ये तीन मार्क्स का एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने जान से मार दिया बच्चे जान से मारने से याद है बच्चा लोग प्यार की संख्या थ्री पॉइंट फाइव के है थ्री पॉइंट फाइव के को फोर के करो फोर के बाद में फाइव के करो अगर नहीं करोगे तो फिर बच्चा पार्टी बाबा इससे नाराज हो जाएंगे नाराज हो जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे तो हमारी वाले हम छोड़कर चले जाए मेरे वाले के चली गए चलो तुमको बहुत कमेंट करेगी तुमको बहुत कम कमेंट करके मेमेश पड़ेगी मेरे नहीं पढ़ाएगी बच्चा पार्टी तो फिर आप लोग एग्जाम हो चुके लेकिन फिर जब आप जैसे ही जाओगे अब तो आपकी पूरी एग्जाम खत्म हो गई <laughs> चलो ठीक है हा डन ओके तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे रिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म के अंदर लिख करके ही समझाऊंगा मुझे पता है तुम लोग मानोगे नहीं मेरे से लिख लिख करके ही पढ़ोगे लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर एक और चीज सीख लीजिए इस तरीके से जब दो लेंस कंबाइन होते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चा बिल्कुल रजिस्टर के इक्वेशन की तरह होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू की तरह तो इसको याद कर लीजिए और वन अपॉन एफ को ही क्या कहते हैं पावर फोकल लेंथ पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है कोई बताएगा मुझे पावर का यूनिट क्या होगा वट इज अट ऑफ पावर यूनिट ऑफ पावर डायप्टर वेरी गुड एंड वन डायप्टर इज इक्वल टू वॉट वन मीटर माइनस वन नॉट सेंटीमीटर माइनस वन याद रखना चाहिए ठीक है अच्छा एक बात बताओ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्च करती है कि डाइवर्ज करती है कन्वर्ज और जो कॉन्केव लेंस होता है वह आपको क्या करता है डाइवर्ज करता है रेस को क्या करता है डाइवर्ज करता है तो पावर बेसिकली इट्स एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और द डाइवर्ज ऑफ द रेज प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करना मिलाना एक जगह पर डाइवर्ज करना फैला देना क्योंकि कई बार कई लोगों को होता है जो तारक मेटा गोलता चश्मा में बापू जी पढ़ते हैं पास से जिनके चश्मे बहुत मोटे होते हैं जिन्हें पास का नहीं दिखता उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है उनके चश्मे अक्सर मोटे होते हैं हमारा मत देखिए हम लाइट से बचने के लिए लगा रहे हैं और जिसको दूर का नहीं दिखता अक्सर उनके चश्मे पतले होते हैं वो कॉनकेव लेंस होता है ठीक है और वन अपॉन एफ कोई पावर बोलते हैं तो पावर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड मैग्निफिकेशन भी कंबाइन होकर इस तरीके से निकलता है मैग्निफिकेशन मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट चमका बच्चा फील आया मेरे लाल बाल गोपाल यो अब एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से लेंस के बीच में गैप ना हो तो ये क्वेश्चन बट अगर गैप हो डी मान लीजिए कि दो लेंस है उनके बीच में जो है गैप डी है, है ना तो फिर फॉर्मूला आपका लगता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस में डी अपॉन में एफ वन एंड देन एफ टू इसी तरह से वन अपॉन एफ पावर होता है सो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू माइनस में डी P1 एंड देन P2 बोलिए श्री अम्बे माते की जय वेरी गुड सुबह यादव ठीक क्या हूं अब अपने आगे बढ़ते हैं ठीक अब हम चलेंगे सीधा प्रिज्म के अंदर घुसने वाले आ भी जाओ बच्चा पार्टी तो प्रिज्म का ही मुझे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे पता है मेरे शैतान बच्चा पार्टी बोलेंगे नहीं सर लिख करके पढ़ाओ तो मैं पहले से तैयार हूं आ जाइए तो प्रिज्म के अंदर दो डेरिवेशन बहुत खास आते हैं और दोनों को हम इसी स्लाइड पर समझते हैं बहुत बढ़िया से ठीक है आ जाओ देखो बहुत ध्यान से तो वास्तव में प्रिज्म बच्चा पार्टी करता क्या है प्रिज्म वास्तव में एक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म वास्तव में क्या होता है एक कॉन्सेप्ट होता है अब यहां से एक जैसे लाइट एंट्री मारी है स्ट्रेट जानी चाहिए बट नहीं जाएगी क्यों क्योंकि सर उसका मन नहीं है ऐसा नहीं है रिफ्रैक्शन हुआ ना तो वो बेंड हो गया राइट यहां पर आपका एक रिफ्रैक्शन हुआ नहीं ये डेविएशन हुआ इसको डेल्टा वन से रिप्रेजेंट करो बात आ रहा है समझ में कि फिर से एक्सप्लेन करूं ये डेविएशन हुआ ये बच्चा पार्टी 90 डिग्री का एक लाइन बहुत ध्यान से समझियो तो नॉर्मल लाइन से ये जो एंगल बन रहा है वो आपका इंसिडेंट एंगल गलत ये है आपका इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रेक्टेड है इसलिए इसको आर वन से रिप्रेजेंट करो ये स्ट्रेट जानी चाहिए बट नहीं जाएगी भैया क्यों क्योंकि ये नॉर्मल लाइन से दूर भाग जाएगी तो ये जो बाहर निकला वो इमर्जेंट एंगल ये है रिफ्रैक्टेड एंगल आर टू और लाइट यहां से यहां ट्रेवल की तो ये प्रेजम एंगल इसको ए से रिप्रेजेंट करो डरीला ठीक है अब मैं कुछ पॉइंट्स के यहां नाम देता हूं डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझना मजा आ जाएगा आपको लगेगा वाह सर आनंद आ गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दो P या आपका A है ही यहां पर L नाम दे दो और यहां पर नाम दे दो Q बहुत ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज दिखाई देगा क्वाड्रिलेटरल दिखाई देगा दैट इज ए पी एल क्यू ए पी एल क्यू चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल चतुर नहीं चतुर्भुज चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के होते हैं तो ए प्लस एंगल एल ए प्लस एंगल एल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ये वाला और यहां पर एक ट्रायंगल है दैट इज पी एल क्यू तो ट्रायंगल पी एल क्यू क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के वन एटी डिग्री होते हैं विधि न्यूमेरिकल के लिए बच्चे बिल्कुल चिंता ना नो पीवा कराऊंगा लास्ट के दो दिन में अभी पूरा चैप्टर समझ लो सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी पढ़ा रहा हूं आप ही लोगों के लिए वापस आया है कहा लगता था तो नहीं लौटेंगे बट लौट आया बाबा हाँ। <laughs> तो आर वन हो गया एक एंगल दूसरा एंगल आर टू हो गया प्लस एंगल एल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों का आर एच एस सेम है कंपेयर कर दीजिए ए प्लस एंगल एल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एल तो बच्चा लोग एंगल एल एंगल एल कट गई तो ए बराबर दोहरा हो गई आर वन प्लस में आर टू ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर टू बोलो चमका फील आया अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ये मेरा डेविएशन एंगल डेल्टा टू हो गया तो ये ओवरऑल डेविएशन हुआ ऐसे था लाइट ऐसे हो गया तो ये मेरा ओवरऑल डेविएशन डेल्टा हो गया साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर इस के अंदर एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू तो बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू कौन बताएगा डेल्टा वन की जगह क्या लिख सकते हैं जल्दी को से समझाना सर हम फिजिक्स में फोड़ के आएंगे ध्यान से देखो यही आई डेल्टा वन प्लस आर वन है यानी आई इज इक्वल टू तो डेल्टा वन प्लस में आर वन तो डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस में आर वन फिर यही ई मेरा डेल्टा टू प्लस आर टू है यानी डेल्टा टू बराबर में ई माइनस में आर टू उठा के पटक दो क्या उठा के पड़क दो तो डेल्टा टू हो गया ई माइनस में आर टू यानी कि बच्चा पार्टी डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन करूंगा आर वन प्लस आर टू आपका ए हो जाएगा सो फाइनली वी हैव ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई वेर व्हाट इज ए दैट इज प्रिजर्व एंगल वेल्टा दैट इज डेविएशन एंगल वॉट इज आई दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड इज ई दैट इज इमरजेंट एंगल बोलो श्री अम्बे बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा लोग हाँ यार अपेरेंट डेफ रह गया उसको भी कर लेते हैं लास्ट में डोंट वरी विल डू इट रिफ्रैक्शन के साथ साथ उसको भी ले लेते हैं हम लोग साथ में यहाँ पे क्लियर है अब देखो और ध्यान से समझना मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्नेल्स का नियम लगाते हैं और एक्सपेरिमेंट से एक चीज पता चली कि जब हमारा डेल्टा डेल्टा मिनिमम होना है तो एग्जैक्टली exactly उस टाइम पे आई बराबर में ई हो जाता है और जब हमारा डेल्टा मैक्सिमम होता है उस वक्त हमारा आई नब्बे डिग्री होता है यानी अगर मिनिमम डेविएशन करना है तो आई बराबर में ई फ्रॉम दिस इक्वेशन ए प्लस में डेल्टा एम इज इक्वल टू टू आई क्योंकि आई और ई दोनों सेम है यानी बच्चों आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू ये आपका एक इक्वेशन और ले लो इक्वेशन नंबर थ्री आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्नेसो लगाओ एट पॉइंट पी जरा सतीश बाबू थोड़ा पानी पिलाओ ना एट पॉइंट पी एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर वन एट पॉइंट क्यू अगेन स्नेसो लगाओ एन वन साइन ई इज इक्वल टू एन टू साइन आर टू क्या ये चमका बच्चे को अभिषेक यादव यस बच्चा आई गोट और मेल कल बहुत सारे बच्चे ऑफिस टूर के बाद सचिन सर के साथ काम करने की इच्छा जाहिर किए हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा आप चिंता ना करें अभी पढ़ लें ये क्लियर हुआ ठीक है डन कोई पिक्चर ब्लर नहीं है मारेंगे बम की तरफ फाट जाओगे यार इतना बढ़िया शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है यार कहाँ ब्लर है यार हाँ भाई यार इतना क्लियर दिख रहा है जरा एक बार रंजन जी को बुलाना तो कह रहे हैं ब्लर है ब्लर नहीं है वो तो जान बुझ के शैतानी कर रहे है ये आज ब्लू है पानी आज तो ग्लास पानी है ब्लू है चले गए हाँ पढ़ा है क्या जा जा रहे रहे। अरे नहीं नहीं रह दीजिएगा ना टहना एकता कपूर के फैंस हैं कुछ लोग हाँ चल बच्चा

मतलब ये वन इज इक्वल टू तो एन टू साइन आर वन इज इक्वल टू एन टू साइन आर टू तो एन टू साइन टू कर साइन से साइन तो कर अब ये यहां रखूंगा कहां गया इधर इक्वेशन टू में तो हमको निकल के आएगा फ्रॉम इक्वेशन टू क्या निकल के आएगा बस चलो हाँ क्या निकल के आएगा मेरे लाल बाल गोपाल तो ए बराबर में टू आर वन इसलिए आर वन इज इक्वल टू ए बाई बोलो पिक्चर क्लियर वेरी गुड सुबी वेरी गुड कृष्णा पढ़ने वाले मेरे बच्चे अब इस इक्वेशन में रख दो कहां गया ये वाला इक्वेशन में फाइनल रिजल्ट के लिए तो एन वन साइन आई साइन आई ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में टू है ये रहा इज इक्वल टू एन टू साइन आर टू आर टू हाँ कर सकते हैं ना क्योंकि आर वन और आर टू सेम है तो यहां पर टू आर टू कर देना चाहिए तो ये आपका हो गया एन टू साइन ए बाई टू सो फाइनली मेरे प्यारे बच्चे एन टू बराबर में एन वन साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन में आएगा साइन ए डिवाइडेड बाई टू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इस चीज को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या कहते हैं इसको बच्चा पार्टी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बोलो पिक्चर क्लियर एस एस पी बाबा की जय कह रहे दिव्यांशु सिंह डन दन डन डन कहा लगता था तारा क्या नहीं लौटेंगे गलत लौटे हैं विद फुल जोश अब फुल भाकाल अब मार देंगे जो कहेगा का कि पिक्चर बला रहा है पिक्चर एकदम क्लियर है आ, आज पकड़ लिया वो पिक्चर बैक चलो अब आगे बढ़ते अब बच्चा पार्टी आपके बचे हुए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो उसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज इनमें डायग्राम की बहुत ज्यादा वैल्यू है बहुत ध्यान से समझना अगर इसमें आप डायग्राम थोड़ा भी गलत बनाए तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे कट जाएंगे पहली बात माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है तो माइक्रोस्कोप छोटे पॉइंट को बड़ा करके दिखाने का एक इंस्ट्रूमेंट है दो लेंस होता है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एक तरफ जहां से आप सेट करते हो बायोलॉजिया के लैब के अंदर वो आपका आईपीएस ऑब्जेक्टिव की तरफ का फोकल लेंथ एफ फो, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आईपीएस की तरफ का फोकल लेंथ एफ एफ और एफ -E के बीच की दूरी को बच्चा लोग एल कहा जाता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं क्या कोई बताएगा देखते हैं कौन बताता है तो से बताना हम समझ जाएंगे एल यहां पर है आपका ट्यूब लेंथ राइट अब बच्चा लोग ध्यान से डायग्राम समझिए यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है हमें उसे बड़ा करके देखना है तो पहली लाइट ऐसे गई ट्र जो कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होगी फोकल लेंथ से ये ऐसे आगे बढ़ गई दूसरी वाली डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही रिफ्रैक्ट नहीं होती क्योंकि रूल है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने लाइट कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती ये लोग यहां आकर के मिले जब इस वाले लेंस से देखा जाता है तो दो की दोनों ही लाइटें यहां कहीं पर आकर के मिलती है फाइनली हमें बड़ा इमेज मिल जाता है जिसका नाम हमने दिया है ए डबल डैश और बी डबल डैश पहले ए बी था इन्वर्टेड इमेज मिला बी डैश ए डैश और फाइनली हमें वापस इसका और मैग्निफाइड वर्जन देखने को मिला दैट इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश फाइनली हमको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल डी है राइट हो सिंपल नहीं करने का बच्चे सिंपल में कुछ नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन आता है फिर से डायग्राम को समझ लीजिए एकदम बढ़िया से ऑब्जेक्ट से यहां से लाइट ऑब्जेक्ट का जो निकला पैरेलल है तो खुपैच करके पास होगा फोकल लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट जाएगा फिर इसको पीछे एक्सटेंड करिए कहीं मिलेगा वो एबल्टी प्रतिशत स्टूडेंट्स ये आप हर बार का सीबीएसई का उठा लो 2020 के पहले पहले कोविड से जब दोटिकल लिखने वाला आया था हर बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रहता ही रहता है डेरिवेशन अब इसके डेरिवेशन में आपको ट्राइंगल पकड़ना है यहां पर देखो ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला क्या होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट तो इमेज हाइट मतलब ये रहा मैं अगर यहां पर टेन बीटा लिखू तो टेन बीटा इज इक्वल टू एच डैश अपन में L, यानी H बराबर L बीटा. इसी तरह से बच्चा पार्टी मैं एच ओ की बात करूं कहा गया मेरा एच ओ एचओ एचओ ये रहा. अगर मैं यहां टेन बीटा का इक्वेशन लिखूं तो टेन बीटा ये ध्यान से देखिए टेन बीटा इज इक्वल टू दिस विच एक्टली इक्वल टू एचओ ऑ ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन दिस दैट इज एफ यानी कि एच बराबर में हो गया मेरा एफओ टेन बीटा अब ये एच की वैल्यू और ये एच डैश यानी एच आई की वैल्यू मैं यहां पटकूंगा तो टेन बीटा से टेन बीटा कटेगा तो आ जाएगा एलेपोन में एफ ओ तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे चमका बच्चा और फाइनली जो इमेज डिस्टेंस है सॉरी इमेज के लिए जो है, उसमें लास्ट वाला डी आया जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़े थे तो हमने ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मल्टीप्लिकेशन होता है लिखोगे ऑब्जेक्टिव इनटू टू आईपीस तो आपका आंसर निकल के आएगा एलडी अपॉन में एफ ओ इन एफ ई यही जब इन्फिनिटी पर बनता है तो ये वन प्लस डी अपन होगा खाली बस ये चीज ध्यान रखना बट यही वाला आता है हर बार आता है और वो भी तीन मार्क्स के अंदर डेरिवेशन आता है डायग्राम गलत बनाइएगा तो मार्क्स कट जाएगा डायग्राम का बहुत ध्यान रखना बच्चा लोग डायग्राम के मार्क्स कटते हैं बोलो श्री अम्बे मात की जय हो पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी तो आगे बढ़ते हैं अब आगे आएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो भी देख लो बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है कहाँ पर तारों को देखने के लिए तारों से निकलने वाली लाइट इस तरीके से ऐसे ही टेलीस्कोप होगा यानी लाइटें ऐसी ही आएंगी एंगल बनाएंगी सब यहाँ मिलेंगी थोड़ा डायग्राम में चेंज रहता है यहाँ पे ये यह ऐसे ये वाली जो लाइट आप देख रहे हो उसको थोड़ा सा यहाँ से कर देना डायग्राम थोड़ा सा चेंज है ये यह बीटा यहाँ पर है राइट right? और ये फिर सब लोग यहां आकर के मिलेंगे इसको थोड़ा एक से एक्सटेंड करना है फाइनली हमको यहां पर उसकी इमेज मिल जाएगी स्टार की जो इंफिनिटी से लाइट आ रहा है अब मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है और यहां पर ये यह जो मैग्निफिकेशन है वो लीनियर नहीं है ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये कौन सा मैग्निफिकेशन है बच्चा एंगुलर मैग्निफिकेशन

तुम से समझाना हम समझ जाएंगे अब टेन अल्फा की वैल्यू लिखना बच्चा समझ जाएंगे FO. 10 अल्फा, को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं वैल्यू अल्फा और बीटा की उठा के पटक दो सो एम इज इक्वल टू एफ ओ और एफ ओ के जगह पर क्या आएगा बच्चे कहा गया सॉरी बीटा बीटा के जगह पर क्या था एच अपॉन में एच अपॉन में ये मैंने उल्टा लिखा क्या? वहां पर एफ सॉरी एफ ई है, ये F e है हाँ। और ये आपका हो गया एफ ओ तो एच से एच कट जाएगा so finally हमारा आंसर एफ ओ अपॉन में कहा लगता था तोरा के नहीं खत्म कर पाएंगे खत्म कर दिए एक घंटा पंद्रह मिनट के अंदर तू कह रहा था अपरन डेप्थ बाकी अपरन डेफ्त भी करके दिखाते हैं अरे वाह थैंक यू सो मच बोला सतीशानंद महाराज की जय भगवान करे सतीश जी को सुंदर कन्या मिले <laughs> इनका जल्दी बात करो है ना ना, ना थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच संजय जी सागर सागर जी <laughs> हाँ अपेरेंट एंड की हम लोग बात कर रहे थे तो आइए बच्चा पार्टी अपेरेंट एंड डेफ्थ भी करवा देते हैं आपको डुबकी लगवा ही देते हैं आखिरकार तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास में एक शीट है हैं जी यहां पर ऑब्जेक्ट है ये आपका एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट यहां से लाइट जाएगा स्ट्रेट नहीं जा करके, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो बच्चा लोग ये खुपाच स्ट्रेट नहीं जा करके, खुपाच ये चुड़ैल वाली आंखें आंखें जो होती है इंसान की वो सीधा ही देख सकती हैं तो सावन में मोरनी बन मैं तो छमछम नाचू तो ये यहाँ कहीं पर आएगा तो ये आपका इमेज और इमेज के लिए आप लिख सकते हैं एच है आई या एच डेस भी आप लिख सकते हैं ठीक है डायग्राम समझ में आया तो ये वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा वन तो ये मेरे लिए एंगल है थीटा टू करेक्ट बच्चा अगर मैं गलत जाऊँ तो बता देना क्योंकि मैं सच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर मैं डायग्राम में लूचा मार दूंगा और आप लोग मेरी हेल्प करना जूस पियोनो ने कैरम रमानो मज्जा ने लाइफ सही है क्या एंगल कोई भी ले सकते हैं थीटा वन, थीटा टू? हाँ ये मेरा थीटा वन है तो ये पूरा थीटा वन होगा अगर ये पूरा थीटा वन है तो ये वाला भी क्या होगा थीटा वन होगा सही है परफेक्ट अब बाहर के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन लेते हैं अंदर के लिए इंडेक्स एन टू ले लेते हैं टा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू कहां से लिखा स्नेल स्लो से इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने लगा दिया बच्चा लोग स्नेल का नियम क्योंकि हमारा थीटा बहुत छोटा होता है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन अब जरा ध्यान दे बच्चे टेन थीटा वन क्या होगा टेन थीटा वन इज इक्वल टू दिस क्या नाम दो इसका इस प्यार को मैं क्या नाम दू नाना ना 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 चलो तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट दैट इज पीक यू अपॉन मै दिस 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 दैट इज एच आई ऐसे ही tan थीटा टू बताना तो tan थीटा टू क्या होगा

ये आपका है पी क्यू के बटे में एच ओ तो पी क्यू से पी क्यू कट गया सो so फाइनली हमारा आंसर आया एन वन अपॉन में बहुत ध्यान से सुनो बच्चे मन के सच्चे तो एन टू अपॉन में एन वन इज इक्वल टू आ गया एच ओ में एच आई बोलो श्री अम्बे मात की जय हो इस इक्वेशन के अंदर एक चीज बताना बहुत ध्यान से अपेरेंट डेप्थ हुआ क्या ये है रियल हाइट एच ओ यह है इमेज की हाइट एचओ एच आई तो अपेरेंट डेप्थ यह हुआ जिसकी वैल्यू हो गई एच ओ माइनस में एच आई अब यहां पर ऑब्जर्वर किस मीडियम में है रेयर मीडियम में जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा तो एच हो ओ हमेशा एच आई से बड़ा होगा अगर ऑब्जर्वर मान लीजिए कोई मछली है और ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है तब इमेज की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी तब फॉर्मूला आपको लगाना है बच्चे एन टू अपॉन में एन वन इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ और इस जगह पर जो शिफ्ट होगा वो आपका एच आई माइनस में एचओ होगा यहां पर जो है आपका वो एचओ माइनस में एच आई है बोलिए पिक्चर क्लियर समझ में आया बच्चा लोग बोलो पिक्चर क्लियर है मेरे लाल बाल गोपाल इसी के साथ जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज अब मैं दस मिनट का नहीं पांच सात मिनट का आपको ब्रेक दूंगा क्योंकि आप लोगों का रे ऑप्टिक्स का सारा इंपॉर्टेंट थियरी, सारा डेरिवेशन एक शॉट के अंदर इस वीडियो के अंदर आ चुका है सारे टॉपिक डेरिवेशन हो थियरेटिकल पार्ट हो कुछ भी हो लिखावट के साथ सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्लस बच्चा लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सी के अंदर आए हैं वो सारा का सारा भी मैंने शीट में डाल दिया है बट क्या आप अपने बाबा एस के लिए इतना काम कर सकते हो कि एज एन होमवर्क जो इसके अंदर अटैच है विध सोल्यूशन वो आप कर सकते हो कर, करना चाहिए क्योंकि हम सत्रह अठारह तारीख को सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराने वाले हैं पहले पूरा थी डेरिवेशन खत्म कराएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो क्या आप ये होमवर्क लोगे कि मैं कराओ बे थी लिखने वाली चीज है इसमें मैं क्या ही कराऊ ये देखिए सारा सोल्यूशन है इसके अंदर पीवाई क्यूज सोल्यूशन पी वाई क्यूज सोल्यूशन तो मैं चाहता हूं इसको आप लोग खुद से बनाइए क्योंकि कुछ चीजें खुद से करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम करेंगे तो बच्चा दस मिनट का एक गैप देते हैं आपको दस मिनट का गैप मतलब दस मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और जैसे ही ब्रेक के बाद मिलेंगे तब आप लोगों से चर्चा कर रहे होंगे हमारा वेव ऑप्टिक्स अभी बज रहे हैं घड़ी में लगभग चार बज के पैंतालीस मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा और जाएगा और ये चैप्टर को भी हम लोग जान से मार रहे होंगे सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एंड जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया जाता है एस एस प्लेटफॉर्म पर कोई चार्जेस पे नहीं करना है बच्चा सैम्पल पेपर ले सकते हो तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये का ही है कोई तीन हज़ार चार हज़ार पे नहीं करना है एस एस कूपन कोड लगाना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दस मिनट का एक गैप दें प्यार की संख्या थ्री पॉइंट नाइन के है दो हजार चौबीस में हमारे, तो हमारे जन्मदिन पहले तक हो जाए तो मजा ही आ जाए सपना पूरा हो जाएगा ठीक है ब्रेक ऑफ टेन टू फिफ्टीन मिनट वापस आप लोगों से ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं और आगे कहानी को बढ़ाते हैं ना 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 ना। चार बचपन पे मिलते हैं बच्चा लोग ठीक है चलो

क्या हुआ चतुर के पापा क्या हुआ खूबसूरत लग रहे हैं क्या चतुर के पापा? हाय चलो ठीक है स्टार्ट करते है बोलो श्री अम्बे मात की जय सुनाई सुनाई दे रहा है? दे? अच्छा बोलो श्री अम्बे मात की जय हो चलो बच्चा पाड़ी रेडी विद फुल जोश क्या किसी बच्चे का जोश कम हुआ है ठीक है पांच बज रहे हैं बच्चा लोग अगले चालीस से पैतालीस मिनट और दीजिए वे ऑप्टिक्स को भी समाप्त करते हैं धड़ाके के साथ आ जाओ तो वे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए जो ज्यादातर लिखने को आते हैं वो है हाइजेंस प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल कोहरेंट इनकोहरेंट एडिशन ये सब एक ही साथ में हम लोग करेंगे फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव इसके एक फॉर्मूले होते हैं छोटे से और ये आपके सिलेबस से जा चुके हैं तो यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं को हम लोग मारेंगे एकदम जैन से बच्चे पहाड़ी कैसे मारेंगे मेरे लाल बाल के बाल कैसे मारेंगे बच्चे पहाड़ी जैन से अरे शुक्ला जी शुक्ला जी yes, क्या कर रहे हो यार शुक्ला yes, जी हाउस तो जोश सर पगला है बहुत देर लिप्राई कर रहा है बोल रहा है हाई सर चल बच्चा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट वेव फ्रंट का मतलब होता है जैसे ये नल है बच्चा लोग और नल में से पानी गिरेगा तबाक करके तो इस तरीके से वेव्स जनरेट होंगी ना क्या ये जो वेव्स जनरेट होंगी सबके सब इक्वल सब फेज में होगी यहां पर मीनिंग इक्वल फेस का मतलब होता है कि सारे वेव सेम फेस में जाएं 360 डिग्री के एंगल के साथ आगे बढ़े तो उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं साधारण भाषा में अगर समझो तो वेव के फ्रंट पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं वेव फ्रंट वेव फ्रंट स्फेरिकल हो सकता है वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल हो सकता है स, सिलिंड्रिकल हो सकता है डिपेंड करता है सोर्स कैसा है अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट अलग होगा अगर लाइट सोर्स है तो वे फ्रंट अलग होगा रेक्टेंगुलर कुछ सोर्स है तो वेव फ्रंट अलग होगा सिलेंड्रिकल सोर्स है तो वेव फ्रंट अलग होगा फ्रंट पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है और सबसे पहले जो हाइगेंस का प्रिंसिपल है उसको मैं अपनी भाषा में आज आपको समझाऊंगा ताकि लाइफ टाइम तक आपको याद रहे तैयार हो समझने के लिए वास्तव में वेव फ्रंट की कहानी को समझने के बाद ये हमारे हाइजेंस हाइगेंस रामलाल जो बोलना है बोल सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा बहुत ध्यान से देखिए क्या कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल बहुत ध्यान से समझो ईच पॉइंट ईच पॉइंट ऑन द सेकेंडरी सोर्स ईच वेव फ्रंट सॉरी ईच पॉइंट नहीं रिकॉन कौन अच्छा कुछ लोग वो आ गए हैं क्या कहते हैं उनको एकता कपूर के फैन तो पहले यहां पर पॉइंट बहुत ध्यान से समझना ईच पॉइंट ऑन द वे फ्रंट पहले लिख रहा हूं बच्चा लोग आपके लिए ताकि आपको समझाओ एक झटके में समझ में आएगा और अभी की अभी मोहब्बत प्यार हो जाएगा ईच पॉइंट ऑन द वे फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड कंटिन्यूअसली will emit spherical wave from it as time goes on by drawing a tangent on it by drawing a tangent on it we get न्यू शेप ऑफ द वे फ्रंट यही स्टेटमेंट लिखने का ही मार्क्स है मेरे लाल बाल गोपालो यह स्टेटमेंट लिखने का ही मार्क्स है अब इसको रटने के बजाय इसको समझिए ईच पॉइंट ऑन द वे फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड दैट विल कंटिन्यूअसली एमिट द स्पेरिकल वेव थ्रू इट And continuously will emit the spherical wave through it. As as time goes on, as time goes on when we draw a tangent on it then we get a new position or the shape of the शेप ऑफ दान लीजिए यहां पर एक लाइट सोर्स है अब यार हम लोगों को तो पता ही लाइट इसी तरीके से आगे एक्सपांड होती है लाइट के आगे एक्सपांड होने की कहानी को हाइगेंस ने इतने बड़े अजीब से लैंग्वेज में बोला है सिंपल करके समझाता हूँ. यहाँ से लाइट गया वेव फ्रंट ये वेव फ्रंट के सारे पॉइंट अपने आप को सेकेंडरी सोर्स समझ रहे हैं कि भैया हम भी अपने में से लाइट निकाल सकते हैं ये अपने में से क्या कर रहे हैं वेव्स सब जनरेट सब कर रहे हैं अब आप क्या करो इसके ऊपर टेंजेंट खींच दो जैसे ही आपने टेंजेंट खींचा नया वेव फ्रंट आ गया फिर इस नए वेव फ्रंट के ऊपर ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स अपने आप को क्या समझ रहे हैं हम हम अपने में से वेव्स निकालेंगे वापस ये लोग वेव्स जनरेट कर रहे हैं कौन सा वाला वेव्स वेव्स स्फेरिकल अगेन अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल इसके ऊपर आप टेंजेंट खींच दीजिए नया वेव फ्रंट आ गया तो क्या लगातार वेव्स इसी तरीके से आगे चलती जाएगी कहानी में कुछ नहीं है बच्चा पार्टी इट्स ऑल अबाउट यहां पर एक प्राइमरी सोर्स है यहां के प्राइमरी सोर्स से ये आपका वेव फ्रंट के सारे पॉइंट Principle. Principle का दो अच्छे बच्चे की आवाज आ रही कौन है बाजू वाले हैं अच्छा इसी सतीश जी के बच्चे नहीं बच्चा लो बाजू के हैं हाँ है शुक्ला क्या तेरे बच्चे का नाम चतुर है सर। चतुर खुश है ज़्यादा फिजिक्स पढ़ के चतुर फिजिक्स पढ़ के खुश है अबे हाँ तो बोल आ, सर आ, सर।, <laughs> तो है सर चल कोई नहीं कोई नहीं ठीक है तो ये हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल बच्चा लोग अब हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए लाइट के दो मेन इवेंट को हमें समझना है एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है अक्सर रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ये बच्चा लोग अक्सर लिखने को आ जाता है इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा अगर हमें रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या ये बात पक्की है एकदम पक्की है से इसमें क्या ही नवाई है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है तो हम बोल देंगे कि सर यहां रिफ्लेक्शन है अब क्या बोलता है शुक्ला अब इसी को वेव फ्रंट की भाषा में समझते हैं बहुत ध्यान से समझिए अगर हम यहां पर वेव फ्रंट इमेजिन कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट तो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आएगी और ऐसे वेव फ्रंट चली जाएगी बच्चे तो ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट में से एक वेव फ्रंट मान लीजिए यहां पर आया और उसने यहां पर एक एंगल बनाया दैट इज आई अरे मुरी माई इस वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट अपने आप को क्या समझ रहे हैं बताइए इस वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट अपने आप को क्या समझ रहे हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट जो लगातार अपने में से क्या करेंगे सेकेंडरी सोर्स जो लगातार अपने में से क्या जनरेट करेंगे स्फेरिकल वेव्स ये पॉइंट सबसे पहले पहुंचा है इसीलिए ये अपना वाला वेव फ्रंट छोड़ देगा इसका थोड़ा नीचे होगा इसका थोड़ा और नीचे होगा इसका थोड़ा और नीचे होगा जैसे ही हम टेंजेंट खींचते हैं बच्चा पार्टी तो हमको नया फ्रंट मिल जाता है इरेजर कहा है यस yes, क्या हमें नया वेव फ्रंट मिल जाता है अरे हाना तो बोलो मेरे लाल बाल गोपाल क्या हमें नया वेव फ्रंट मिल जाता है क्या हमें नया वे फ्रंट मिल जाता है yes, sir. क्या हमें नया वे फ्रंट मिल जाता है वेरी yes, गुड और ये वाले एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे आर से वेरी गुड सुखले तो अब यहां से एक लाइन खींच दीजिए टेंजेंट है एंगल 90 डिग्री थोड़ा yes, स्ट्रेट रखना यहां पर भी लाइन खींच दीजिए एंगल है 90 डिग्री थोड़ा स्ट्रेट रखना अब आप अलग अलग नाम दे दो यार ए बी सी एंड देन डी थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है सतीश कुमार ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारे पास सतीश कुमार बी सी डी ट्रायंगल बी सी एंड देन डी और दोनों की इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए दोनों में कॉमन है बी सी तो ये आपको लिखना पड़ेगा दोनों के अंदर बी सी साइड कॉमन है दोनों के अंदर एक एंगल कॉमन है तो बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी चमका उसके साथ साथ बच्चा एबी और सी डी भी सेम है कौन बताएगा एबी और सी डी सेम क्यों है क्योंकि जितना डिस्टेंस ये वाला पॉइंट कवर कर रहा होगा जितने टाइम में ये ऊपर गया होगा वेव्स उतने टाइम में ये पॉइंट नीचे आया होगा अबे कमेंट सेक्शन में सचिन सचिन चिल्लाओ धोनी धोनी चिल्ला रहे भाई <laughs> हाँ बाकी महेंद्र सिंह धोनी के हम सब फैन है हमको लगा गलत समझ रहे हो धोनी नहीं पढ़ा रहे हैं ना। वापस आ गए अच्छा दो, अच्छा हो। ओके क्लियर बच्चा दोनों सेम मीडियम में है इसलिए साइड सेम होगा कक्षा नौ में कक्षा नौ में नहीं कक्षा नौ में आप पढ़े थे के भुजा भुजा कोण तो हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा पर प्रमे से भू को भू प्रमे से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो त्रिभुजवा का सब कुछ सेम है अब थोड़ा अंग्रेजी बोल देते हैं इसको बोलते हैं बच्चा साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सेम है इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल बाल गोपाल कि इसका सब कुछ सेम है अगर सब कुछ सेम है तो I इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू R। बोलिए श्री अम्बे माते की बोलो पिक्चर क्लियर है बिल्कुल है। लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन जीवन, जीवन है शुक्ला <laughs> को याद हो गया इसको चमका बच्चे यस सर।, सर लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। कईयों को लग कईयों को लगता है मास्टर बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है वेरी गुड सुखले ये भी याद रख ले सतीश तेरे काम आएगा ठीक है चलो अब हम बात करते हैं बच्चा रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस थ्योरम हाइगेंस हाइजन रामलाल जो बोलना है वो बोल दो तो अब हम बात करते हैं चतुर के लिए रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग by using हाइगे थियर चल बच्चा आजा. तो अगर अपने को प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है एन वन साइन थीटा वन हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है बच्चा एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू यही ना प्रूफ करना पड़ता है और ये प्रूफ करना पड़ता है कि लाइट आई खुपच करके और लाइट ऐसे थोड़ी सी बैंड हो गई सेम डायरेक्शन में नहीं गई इसको वेव के फॉर्म में सोच लो तो अगर हम इसको वेव के फॉर्म में सोचे तो ऐसे वेव फ्रंट के फॉर्म में आई और थोड़ी सी बैंड हो गई चमका बच्चा सर झगेगा ठीक चलिए तब मैं इसको आपको वेव फ्रंट की भाषा में समझाता हूँ बहुत ध्यान से देखो मजा आ जाएगा आप लोगों को तो ये हमने बना दिया सबसे पहले एक मीडियम और यहाँ पर बच्चा लोग एक वेव फ्रंट ऐसे आई जिसने यहाँ पर एक एंगल बनाया दैट इज आई अब सबसे पहले कौन सा पॉइंट पहुंच गया ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा ये वाला पॉइंट जब तक ये वाला पॉइंट यहां पहुंच रहा है तब तक इसका वेव मीडियम के अंदर अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट छोड़ चुका होगा फिर यह वाला फिर ये वाला फिर ये वाला लास्ट में ये वाला वाला, सबसे में तो ऐसे छोटा होगा इसका, इसके बाद पहुंचता है तब तक हम एक वेव फ्रंट खींचेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा यह आपका रिफ्रैक्टेड चमका क्या चमका क्या बच्चा अब जरा सोच समझ के बताइए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख रहा हूं और ये वाला जो डिस्टेंस है वो वी वन टी है और ये ज्यादा क्यों है क्योंकि ये मीडियम रेयर मीडियम है और ये मीडियम आपका कैसा है मीडियम मीडियम है डेंसर में रफ्तार थोड़ी कम होगी इसलिए दूरी भी कम होगी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वेर वी टू इज स्पीड स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज योर डिस्टेंस तो अब मेरे पास एक ट्राइंगल मिल रहा है पी क्यू आर एंड देन एस क्या पिक्चर क्लियर है यहां तक बच्चे लोग बहुत अच्छे yes, को लगता है मास्टर yes, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है yes. चलो अब मैं यहां पर एंगल ले रहा हूं साइन आई ध्यान से देखिएगा साइन आई तो साइन आई बराबर दिस वी वन टी अपॉन में बच्चा 90 डिग्री के सामने वाला ये 90 डिग्री है ना अपॉन में हाइपोटेनियस दैट इज पी इसी तरीके से अगर हम ले लें साइन आर साइन आर सो दैट इज पी व्हिच विच इज वी टू टी अपॉन में पी ये यह आपका इक्वेशन वन या आपका इक्वेशन टू दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वॉट इज वी वन पिक्चर क्लियर है तक? दैट इज सी अपॉन वी वन सो वी वन इज इक्वल टू सी अपॉन में एन वन इसी तरह से बच्चा एन टू बराबर सी अपॉन वी टू सो वी टू इज इक्वल टू सी अपॉन में एन टू उठा के पढ़क दो तो वी तो वन के जगह पर हुआ C अपॉन में एन वन और C अपॉन में एन टू सो फाइनली सी सी कटा तो यह हो गया एन टू अपॉन में एन वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर सो फाइनली ये कौन सा लॉ प्रूफ कर दिया आपने स्नेस लो बोलो श्री अम्बे मात की बोलो पिक्चर क्लियर है तीन मास की थ्योरी समझ में आई है बच्चा रिफ्रेक्शन बाय यूजिंग व्हाट हाइगेन्स प्रिंसिपल आपके सामने डना डन दन डन अब एंट्री मारेंगे आगे के टॉपिक के अंदर वाई डी एस सी यंग डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट मैक्सिमा कैसे मिलता है मिनिमा कैसे मिलता है इंटरफेरेंस क्या है वो सब आपको एक साथ समझाते हैं आ जाओ आहा। आहा। तो इंटरफेरेंस सबसे पहले तो इंटरफेरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस इज़ द फिनोमिना वेयर टू और मोर देन टू वेव गेट्स कंबाइंड जब दो या दो से अधिक वेव मिलते हैं तो उसी फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं कई बार दो वेव्स ऐसे मिलेंगे जिससे उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा कई बार दो वेव्स ऐसे मिलेंगे जिससे उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे और जब एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा तब हम उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे वेव्स की बात चल रही है तो आपने कक्षा 11 के अंदर वेव से रिलेटेड इन इक्वेशन को तो जरूर देखा होगा क्या ये याद है कि भूल गए हो याद है बच्चा पार्टी इक्वेशंस ऑफ द वेव इसी तरीके से दूसरा हमारा वेव का इक्वेशन है a2 sin ओमेगा टी माइनस में के एक्स प्लस फाइव कौन बताएगा वेयर व्हाट इज फाइव फाइव को कहते हैं फेस डिफरेंस याद रखिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत करते हो इसी पन्ने पर जो इस स्लाइड पर लिखूंगा यहीं से आपको न्यूमेरिकल फंसेगा गौर से देखिए इस स्लाइड को तक 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 क्या सुख ले yeah. फेस डिफरेंस वेरी गुड दिव्या सुरभि एंड ऑल माय बच्चा पार्टी यहां ये यह जो दोनों एम्पलीट्यूड है इसको वैक्टरली जोड़ना पड़ता है यानी जो ए नेट है बच्चा लोग वो होता है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव क्यों आप वेक्टर में भी तो यही करते थे ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो हम हमेशा यही करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस थीटा चमका क्या डन 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 और हमने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर होता है दोनों तरफ स्क्वायर मार दो तो ए नेट का स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव यानी ए स्क्वायर आपका आई है सो वी हैव आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ओनली ए क्या होगा अंडर रूट में सो टू अंडर रूट आई वन आई टू एंड देन कॉस फाइव क्लियर बच्चा लो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उल्टा लिख दे रहा हूं इक्वेशन टू ऊपर है बट वास्तव को नीचे होना चाहिए था बोलो चमका मेरे लाल बाल गोपाल फील आया राज चौहान ब्लॉक्स बच्चे बहुत बढ़िया आधे से ज्यादा बच्चे मैदान छोड़ के भाग गए बट क्या रियलेंट बच्चा मैदान छोड़ के भागेगा चलो। अब देखना बहुत ध्यान से इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है अगर इंटेंसिटी को मुझे मैक्सिमम करना है तो कॉस फाइव मेरा वन होना चाहिए बच्चा लो मैं, मैं डर गया है इसको तो देख से कोई आया है वही मैं भी सोचा तो कास की वैल्यू अगर वन लेगा मेरा लाल बाल गोपाल तो क्या आएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू क्या इसी इक्वेशन को वी कैन राइट बच्चा पार्टी आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आई अंडर रूट आई का होल स्क्वायर बोलो श्री अम्बे की बलराम चंद्र की अबे रहा बोलिए बोलो पिक्चर क्लियर है क्लियर है सर अगर इंटेंसिटी को मिनिमम करना है बोलो श्री अम्बे मात की बोलो पिक्चर क्लियर है ए, की जा रहे। सर। <laughs> अगर इंटेंसिटी को मिनिमम करना है तो कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ माइनस हो जाएगी यानी आपका जो आई मिनिमम होगा बच्चा लोग वो आपका आ जाएगा आई वन माइनस आई टू का होल स्क् इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसी तरह से अगर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो वो कॉस फाइव यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सो दैट यू कैन राइट डायरेक्टली ए वन प्लस ए टू और अगर आपको ए मिनिमम चाहिए दैट इज गोइंग टू बी ए वन मानस मे टू बोलिए श्री अम्बे मात की सियाबल रामचंद्र की Yay! बोलो पिक्चर क्लियर है क्लियर है एक लड़का कह रहा है भैया आप ड्रीम इलेवन पर टीम बना लीजिएगा <laughs> <laughs> चलो ठीक है तो इस स्लाइड के अंदर हमने ये देख लिया अब वाई के एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर आते हैं और वहां से आपको कुछ और ज्ञान बताते हैं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर से डेरिवेशन बहुत अच्छा सा डेरिवेशन आता है यहाँ पर एक काफी खूबसूरत सा पर्दा मान लीजिए क्या मान लीजिए बच्चा पार्टी बोलो सतीश बाबू पर्दा।, पर्दा और यहाँ पर एक सोर्स है धन्यवाद दीपक और यहाँ पर एक आपके पास सोर्स है यहाँ से वेव गया खुपैच यहां से वे गया खुपाच दोनों वेग खुपाच खुपाच करके आगे बढ़े यहां से अगर मैं एक 90 डिग्री का लाइन खींचू तो क्या ये एस टू एम मेरे लिए पाथ डिफरेंस है बच्चा पार्टी यस और नो में जवाब दीजिएगा क्या एस टू एम हमारे लिए पाथ डिफरेंस है छोटी बच्ची हो क्या पाथ डिफरेंस है यस अगर ये तीन किलोमीटर है ये दस किलोमीटर है तो सात किलोमीटर आपका पाथ डिफरेंस हुआ यहां से यहां तक को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी का मतलब होता है बच्चा डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और सोर्स और पर्दे के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं यहां दोनों के परपेंडिकुलर बाई पर सेंट्रल वाले पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक में एक्स होता है वाई होता है जेड होता है आप कुछ भी लिख सकते हैं ठीक दूसरा यहां से अगर मैं एक और लाइन इस तरीके से आगे एक्सटेंड करूं तो ये मेरे लिए थीटा है और ये वाला भी मेरे लिए थीटा है बहुत ध्यान से सुनना इन ट्रायंगल एस वन एस टू एम इफ आई राइट टेन थीटा सो टेन थी नहीं सॉरी साइन थीटा लीजिए अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट एस अपॉन में वॉट बच्चा नब्बे डिग्री पर ये है तो डी आ गया क्वल टू हो गया डी साइन थीटा दूसरा अगर मैं ट्रैंगल ये ये और ये लूं और इसमें टेन थीटा ले लूं तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ टेन थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में डी सिंपल तो ये आपका हो गया वाई अपॉन डी क्या टेन थीटा बहुत छोटा हो तो उसी को हम थीटा कह सकते हैं और वही आपका साइन थीटा बन सकता है यानी कुल मिलाकर के जो आपका पाथ डिफरेंस आया बच्चा वो थीटा के जगह पर वाई अपॉन डी हो गया सो वाई डी अपॉन में कैपिटल डी ओ हो बोलो श्री अम्बे मात की श्या बलराम चंद्र की जय शंभो शंभो अब यहां से दो छोटे छोटे और बहुत प्यारे इक्वेशन अगर हमारा पाथ डिफरेंस एन लैमड़ा हो और अगर हमारा पाथ डिफरेंस टू एन प्लस माइनस वन लैमड़ा बाई टू हो तो इस सिचुएशन में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इस सिचुएशन में हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम आएगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी मिनिमम होगी ये दोनों ही इक्वेशन को बच्चा एकदम कहा बसाना है अपने शुक्ला जी दिमाग में नहीं शुक्ला आंसर देगा ये इक्वेशन कहा बसा होना चाहिए शुक्ला के पापा कहाँ बसा होना चाहिए ये इक्वेशन कहा बसा होना चाहिए जीवन काल के अबे जीवन काल के अंत समय तक डन <laughs> चलो अब थोड़ा पर्दे के ऊपर और चर्चा करते हैं यह हमारा स्क्रीन बच्चा लोग यह आपका सेंट्रल पॉइंट तो सेंट्रल पॉइंट से सबसे ऊपर फर्स्ट मिनिमा आता है फर्स्ट मिनिमा के ठीक ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा आता है उसी के बाद दीपक का घर आता है सेकंड मिनिमा और फिर यह आता है आपका सेकंड मैक्सिमा दो कंजेटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंजेगेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस सेम होता है या अलग अलग तो आंसर है हमेशा सेम होता है इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं कैसे जैसे मान लीजिए कि ये वाले पॉइंट को हम एक्सएम नाम देते हैं और ये वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स एम प्लस वन एक्स एम या वाई आपकी जो मर्जी वो आप लिख सकते हैं पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मिनिमा के लिए मेरे लाल बाल गोपाल मैंने यहां सही लिखा था दिन-दिन धींधा सही है आ जाओ तो हम यहां लिखते हैं एक्स एम डी अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू टू एम माइनस वन लैमडा बाई टू और फिर एक्स एम प्लस वन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी टू एम प्लस वन माइनस वन एंड देन लेमड़ा बाई टू दोनों को माइनस करिए सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज गोइंग टू बी ब्रैकेट से बाहर लैमडा बाई टू भी ब्रैकेट से बाहर यहां है बच्चा लोग टू एम प्लस वन टू एम प्लस टू टू एम प्लस टू फिर माइनस वन और फिर माइनस टू एम प्लस वन क्या है बच्चे को चमकीला फी लाइला फिनाइल ला के फील हाँ हा टूम से टू एम कट ली माइनस से प्लस वन कट ली और टू से टू भी कट ली तो कहा बच ली तो एक्स एम प्लस वन माइनस में एक्स एम इज इक्वल टू लैमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मार डी यही वाला तुम बैक टू बैक मैक्सिमा का भी ले लो तो सेम आएगा इसको बच्चा लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं आपके सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है दैट इज गोइंग टू बी लैमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी बोलिए श्री अम्बे महात की सियाबल बलराम चंद्र जाए। की जाए। चतुर के पापा की सतीश आनंद महाराज की दीपलाल महाराज की कौकर के देवता की कौकरानंद महाराज की ओके, बट टू बी वेरी ओनस बच्चा पार्टी सच बताएं तो मजा आ रहा है पता नहीं चला ढाई घंटे से लाइव क्या बोलता है सतीश ढाई घंटा हो गया ठीक है और हम लोगों ने बड़े तगड़े दुरंधर चैप्टर हैं ये ऑप्टिक्स के और एकदम जान से इसको मार दिया है बस आखिरी दो और इक्वेशन बचे हैं जो आपके डिफ्रैक्शन के इक्वेशन आते हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी के सारी जो भी मैंने पढ़ा है विथ पी वाई की सब इसी के अंदर अटैच्ड है उनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा डॉपलर इफेक्ट है वो नहीं करना है डिफ्रैक्शन के इक्वेशन मैं आपको यहां पर लिख देता हूं तुम आंखों से पढ़ाना सर हम समझ जाएंगे क्या बोलते तो दीपक डिफ्रेक्शन वास्तव में होता क्या है बच्चा लोग तो वेव का बेंड हो जाना किसी एज से उसी को डिफ्रेक्शन कहते हैं अब आपके पास दो फॉर्मूला था वाई डी अपॉन कैपिटल डी क्वल टू वॉट दैमडा एन वाई डी अपॉन मे कैपिटल डी इज इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन लैमडा बाई टू अब इंटरफेरेंस में ये इक्वेशन कंस्ट्रक्टिव के लिए है यानी कि मैक्सिमा के लिए और ये इक्वेशन डिस्ट्रक्टिव के लिए है यानी कि मिनिमा के लिए, के लिए याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये जो y कैपिटल D है ना बच्चा इसको थीटा नाम दे दीजिए क्योंकि डायग्राम में भी टेन थीटा ही था सो दिस इज बेसिकली थीटा इसको बच्चा लोग ए कह दो डिफ्रेक्शन में दोनों स्लीट के बीच का डिस्टेंस ए है अगेन दिस इज थीटा एंड दिस इज ए और उल्टा कर दो तो। ये अगर मैक्सिमा के लिए कहानी है तो डिफ्रेक्शन में ये मिनिमा हो जाएगा और अगर ये मिनिमा के लिए कहानी है तो डिफ्रैक्शन के अंदर ये मैक्सिमा की कहानी हो जाएगी बोलिए श्री अम्बे मात की खेला खत्म, पैसा आजम, नाचे छम सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लोग थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा अपॉन में ए फॉर वॉट मिनिमा एंड यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लोग थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन लैमडा बाई टू एंड देन ए दिस इज गोइंग टू बी वॉट फॉर मैक्सिमा बोलो चमका याद करने का सरल तरीका बताए बोलो पिक्चर क्लियर है लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है एक बच्चा कह रहा है सर जी आप बहुत फास्ट हैं। अरे फास्ट तो हमारे रॉकी भाई भी हैं धक 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 तो हम नहीं फास्ट रहे हैं। क्या बोलते बच्चा लोग एग्जाम का टाइम है इतने बार पढ़ाए बारह सौ बच्चे लाइव हैं, शुक्ला हरिओ शुक्ला तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे झुकेगा ठीक है डन चलो मेरे प्यारे लाल बल गोपालो बच्चा पार्टी तो इसी के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों खत्म कर दिया है अब आप लोगों को वही चीज मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे स्लाइड के अंदर मौजूद रहेंगे ये स्लाइड आपको मिलेगा टेलीग्राम में टेलीग्राम एसएसपी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथ ही साथ आप एस एस पी सर का सैंपल पेपर लेना ना भूलें जिसका इंफॉर्मेशन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखा है तो कल है 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख 19 तारीख को फुल डेरिवेशन सारे के सारे सात चैप्टर का एक साथ ये दोनों को हम लोग कर रहे होंगे पी वाई क्यूज और कल हमारी आशिकी और हमारी मोहब्बत वाली चैप्टर होगी आय हाय हाय That is semiconductor. So so thank you so much for giving your time भरोसा करते हो आप लोग और उसी के आपका प्यार का सपोर्ट का नतीजा है, है इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के बावजूद भी तेहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अब बताइए आनंद आया है शुक्ला जी वाला, एक बार डायलॉग वाला वायलेंस वाला डायलॉग सुना दूँ ठीक है वायलेंस वाला डायलॉग सुनना है चलो ठीक है <laughs> मैं आ गया। लगे ठीक है चलो सुना देता हूं यार खुश करता हूं <laughs> तुम लोग को वायलेंस 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 आई डोंट लाइक वायलेंस आई अवॉइड बट Violence likes me, so I can't avoid <laughs> <laughs> it. <imitating> सही <laughs> <laughs> <Sahita. laughs> <laughs> physics, physics, physics. language <laughs> 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 physics, physics, physics. Bachalog hate physics, but I like physics, so I can't avoid physics. So <laughs> सर थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया बाबा एस एस पी का एक प्यारा सा कंपनी है अरविंद भैया के साथ जिसमें हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों को स्किल सिखाते हैं और बहुत सारे बहुत सारे एस एस पी एन ऐसे भी हैं जो इंटर्नशिप पे काम करना चाहते हैं जैसे आप में से किसी लोगों को वीडियो एडिटर आता है काम ग्राफिक डिज़ाइनर है कुछ बड़ा सोच रहे हो आप और एस एस पी सर के साथ बैंगलोर में आके काम करना चाहते हो तो सचिन डॉट यू एट द रेट सी ओ एन के ई आर डब्ल्यू ओ आर एल डी डॉट कॉम पर अपना रेज्यूम भेजना मत भूलना कल की क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों ने रेज्यूम भेजा है एच आर जो टीम होती है वो आपको रेस्पॉन्ड इस वीक में करेगी बच्चा लोग आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कॉन्कर ऐप को जरूर डाउनलोड करिए बिकॉज़ आपके प्यार और आपके सपोर्ट की रॉकी भाई को ज़रूरत है ऐसा उम्मीद करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास के अंदर बहुत मज़ा आया है मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक के साथ पढ़ाता हूँ बट मुझे इसी तरीके की क्लास में मजा आता है बच्चा लोग कल सेमी में करेंगे, रात को नौ बजे, लेट हो गया तो दस बजे बट करेंगे जरूर ठीक है ऐप प्ले स्टोर में जाइए और इसे डाउनलोड करिए बिकॉज बहुत सारे स्किल सीखना है बच्चा लोग तो कॉन्कर ऐप इज बेस्ट ऐप दिन महीने हुए कंपनी को स्टार्ट होते हुए और ट्विटर पर कल ट्रेंडिंग थे आपके बाबा एस एस पी और एटू सर तालियां बजनी चाहिए छोटी बच्ची हो क्या थैंक यू बच्चा लोग थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ढेर सारा ढेर सारा लव ढेर सारा चैनल पर नए हो तो जरूर इस फैमिली का हिस्सा बन जाना कितने बच्चों ने प्यार दिया है फोर पॉइंट सिक्स केन हजार सत्तर बच्चे इस वक्त भी देख रहे हैं सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों लव यू ऑल तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जब तक जीवित हूँ आप लोगों के लिए मेहनत करते रहूंगा सैंपल पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है एंड जरा मैं आपको कॉन्कर ऐप आप से रिलेटेड कुछ न्यूज सुनाता हूं देखो आपको मजा आएगा आपको प्राउड फील होगा तुम आंखों से बताना अरे नहीं गलती हो गई अरे यारी गलती हो गई तो एक गलती सॉन्ग पता नहीं कहां से आ गया कॉन्कर ऐप एस एस पी सर ए टू सर कौंकर एप। अरे दादा गलत स्पेलिंग पकड़ रहा है ये देखो ये तो हमारा सर बहुत लोग कॉपी किए हैं फिजिक्स बाय एसएसपी सर डाउनलोड कर रहे हैं। है आए? बात कर रहे हो तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे थैंक यू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगर नए हो इस फैमिली में जरूर जुड़ना मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखाना चाह रहा था बट कुछ उल्टा हो गया बट यहां लिखते हैं चलिए गूगल से पूछते हैं ए टू सर सचिन सर स्टार्टअप ए टू जेड हो गया स्टार्टअप त्योहार की बेजती हो रही रे <laughs> एक बार फिर से अरविंद अरोरा सर सचिन उपाध्याय स्टार्टअप खु से बताना हम समझ जाएंगे कॉन्कर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कुछ अलग ही आ रहा अच्छा हम लोग के 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 रखना है हम लोगों को <laughs> के रखना है कोई बात नहीं बट बच्चा लोग ट्विटर पर हम लोग ट्रेन कर रहे थे तो वही आप लोगों को दिखाना चाहता था बहरहाल हम लोग मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से बच्चा लोग प्यार की संख्या फाइव के हो जानी चाहिए जितने बच्चे रिकॉर्डिंग देखोगे प्लीज कॉमेंट करना एंड ढेर सारा प्यार अपना जो है शेयर करते रहना ठीक है इसी के साथ आज आप लोगों से विदा लेंगे बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच लव यू ऑल दिल से शुक्रिया एंड लॉट्स ऑफ लव थैंक यू सो मच भारत माता की जय वंदे मातरम सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टिल दैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मॉम लव यू ऑल बच्चा लव यू ऑल लव यू ऑल मेरा बच्चा है तो कबिल मेरा बच्चा है तो ये मैं किसका डायलॉग सुन लिया कृष्णा का बच्चा। बच्चा मेरा बच्चा भाड़ी है तू। का सुपर चैट किसने किया सर आपका सैंपल पेपर नहीं आ रहा पेमेंट भी हो गया आए मैं टीम को बोलता हूँ बच्चा ऐसा नहीं हो सकता सोमरी एरियस पक्का टीम को बोलता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता बच्चा मैं करवाता हूँ डोंट वरी नहीं तो आप मेरे को मेल करो है ना मेल करो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ मेल के लिए सचिन डॉट्यू एट द रेट कॉन्करवल डॉट कॉम चल बच्चा मिला करके फोड़ के आएंगे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा कुछ भी डाउट हो तो सचिन एंडरस्कॉट सर अंडरस्कॉट फिजिक्स एंड कॉन्कर ऐप को जरूर डाउनलोड करिए जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है बट जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है आ, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय टेक केयर एंड यस आज ए समर इधर आओ ब्लॉग आने वाला जरूर देख लेना एस पे बाबा एस का एक छोटा सा घर और <laughs> उस घर का ओपनिंग हुआ उसके अंदर जितने लोगों ने मेहनत किया है उन सभी लोगों का जो है मैं बहुत सारा ढेर सारा जो है आभार व्यक्त करूंगा और उसमें जो छोटू भाई उनके जो बेटे हैं वो चिपक के छोटू भाई के पेट पे आके गिरते हैं तो उसका नाम होगा बच्चा लोग ए समर इधर आओ तो जरूर देखना शाम के शाम के छः तो बजने वाले हैं सात आठ बजे अपलोड होगा एसएसपी सर का आशियाना ठीक है लव यूअर बच्चा लोग तहदिल से आप सभी का शुक्रिया सी वॉल नेक्स्ट सेवर यू डू मैन बट डों ट्रवल योर मोम